Good evening, all of you. Good evening. Good evening. Good evening, Suman. Good evening, Neat Challenge. Good evening, Kadir. तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का पेपर और बायो पोर्शन में डिस्कशन करने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1-30. सेकेंड टेस्ट था ये आज फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का. क्वेश्चन नंबर 101 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन. तो असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है जो इस बार आए थे नीट में, इसीलिए हम लोगों ने भी इनको इंक्लूड किया हुआ है अपनी टेस्ट सीरीज में. असर्शन, ऑल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक आर डिप्लॉयड. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इज स्टार्टेड फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर. क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? तो एम्ब्रियो सैक जो होता है इसमें सारी सेल्स कैसी होंगी? हैप्लॉयड होंगी. एग सेल, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स, सेंट्रल सेल, एन प्लस एन, तो ये सारी सेल्स हैप्लॉयड हैं. तो असर्शन यहाँ पर गलत हो गया. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इज स्टार्टेड फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर. तो फंक्शनल मेगास्पोर, ये स्टेटमेंट सही है. तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 101. यस, गुड इवनिंग अनुराधा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. यस शाश्वत, यस डॉक्टर स्ट्रेंज, यस ओवैस, यस सोनम, यस ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. अच्छा, अगर पूछा जाए फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म कौन सी होगी? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में फर्स्ट सेल फीमेल गैमेटोफाइट ही क्या होगी? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म विल बी. यस मिस्टर दिवाकर, वेरी गुड इवनिंग. डॉक्टर स्ट्रेंज, वेरी गुड इवनिंग. शंकर, वेरी गुड इवनिंग. यस यस करेक्ट, यस गुड. यस मेगास्पोर, मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, फंक्शनल मेगास्पोर. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इज स्टार्टेड फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर. तो इसका आंसर क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. वन इज लेबल्ड एज असर्शन. ये भी असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है. थॉर्न एंड टेंड्रल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकरबिट्स. बोगनविलिया में थॉर्न्स हैं, कुकरबिट्स में टेंड्रल्स हैं. ये रिप्रेजेंट करते हैं होमोलॉगी. होमोलॉगी का मतलब हुआ ओरिजिन सेम है. और रीजन क्या दिया है? थॉर्न एंड टेंड्रल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 102 विल बी. थॉर्न एंड टेंडल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकरबिट रिप्रेजेंट्स होमोलॉगी. ओरिजिन सेम है. ओरिजिन क्यों सेम है? क्यों? क्योंकि ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है. दोनों किससे बनते हैं? दोनों किससे बनेंगे? एक्सिलरी बड से, एक्सिलरी बड से. थॉर्न्स भी एंड टेंड्रल्स भी एक्सिलरी बड से, इसलिए होमोलॉगी शो करेंगे. होमोलॉगी मतलब ओरिजिन सेम. यस, डी इज द राइट आंसर. करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. वन इज लेबल्ड एज येट अनदर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन. जनरली आफ्टर प्रॉपर सेक्शुअल इंटरकोर्स 60-year-old वुमेन डज नॉट गेट प्रेगनेंट. अगर सेक्शुअल इंटरकोर्स 60-year-old वुमेन परफॉर्म कर रही है, इट शी विल नॉट गेट प्रेगनेंट. रीजन दिया हुआ है, इन वीमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 years ऑफ एज. यहाँ पर क्या होगा आंसर? यस वेरी गुड. यस सुमन कुमारी, पूरे ऑप्शंस ठीक से देख लो. यहाँ पर डी में दिया हुआ है रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. यहाँ पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन.
यस, आप लोगों का आंसर एकदम सही है। यस राजेश, वेरी गुड इवनिंग। यस, यहाँ पर असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज होती है, इसको क्या बोलते हैं? जो 50 ईयर्स अराउंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिजेशन है, दिस इज नोन एज, इसके लिए टर्म दिया गया है। क्या टर्म है? सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज इज नोन एज। यस, वेरी गुड राजेश। यस पार्थ, वेरी गुड। यस शाश्वत। यस नितिन राजपूत। यस हफिजुर। यस सोन सोनम। मीनार्की नहीं, मीनार्की नहीं, मीनोपॉज। दिस इज मीनोपॉज। मीनार्की क्या है? व्हाट इज मीनार्की? व्हाट इज मीनार्की? मीनार्की क्या है? यस, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज मीनार्की, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। करेक्ट करेक्ट। यस, तो ये मीनोपॉज है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन वाज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अनदर असर्शन रीजन, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। ह्यूमन ब्लड ग्रुप कंट्रोलिंग जीन आई हैज 3 एलील्स, आई ए, आई बी एंड आई ओ। यहां पर क्या होगा? यस वेरी गुड राजेश। पार्थ थर्ड नहीं होगा इसका? यस, ऑल ऑफ यू करेक्ट। यस, 104 इज फोर्थ। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। मल्टीपल एलिलिज्म, एक जीन के दो से ज़्यादा एलील्स मल्टीपल एलिलिज्म कहलाता है, और ह्यूमन ब्लड ग्रुप इसका एग्जाम्पल है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप दूसरा एग्जाम्पल है। ड्रोसोफिला में आई कलर, आई कलर इन ड्रोसोफिला, ये भी मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। और मल्टीपल एलिलिज्म के अलावा ह्यूमन ब्लड ग्रुप और किसका एग्जाम्पल है? डोमिनेंस का, डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ये सही है या गलत है? यस करेक्ट। यस नितिन। यस डॉक्टर स्ट्रेन। यस पार्थ। यस सोनम। यस हफिजुर। यस करेक्ट करेक्ट। तो ये डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का भी। अच्छा, ये मल्टीपल एलील्स जो हैं, ये इंडिविजुअल में मिलेंगे या पॉपुलेशन में? मल्टीपल एलील्स यू विल गेट इन इंडिविजुअल और इन पॉपुलेशन। एक इंडिविजुअल में ये मल्टीपल एलील्स मिलते हैं या पॉपुलेशन की स्टडी जब करोगे तब मिलेंगे? एक इंडिविजुअल में या पॉपुलेशन में? यस वेरी गुड वेरी गुड। यस ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। गुड, पॉपुलेशन स्टडी करेक्ट। एक इंडिविजुअल में तो एक जीन के दो ही एलील्स होंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अनदर असर्शन रीजन, थ्रू टिश्यू कल्चर प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस्ड। ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन। तो जो टिश्यू कल्चर के थ्रू प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। रीजन क्या दिया हुआ है? इन टिश्यू कल्चर प्रोसेस नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यहां पर क्या है? 105। यस नितिन। यस अनुराधा। यस, तो यहां पर भी सही है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के थ्रू प्लांट्स जो होते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये माइटोटिकली प्रोड्यूस होंगे। नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। तो आंसर होगा यहां पर फोर्थ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द डायग्राम। तो ये एनसीईआरटी से पाई चार्ट है ये, और ये किसका पाई चार्ट है, और इसमें ए बी सी डी क्या है? इसमें ए बी सी डी क्या है? ए इज अनदर एनिमल ग्रुप्स, बी इज मोलस, सी इज क्रस्टेशियन एंड डी इज इंसेक्ट्स। यस करेक्ट। 106 इज बी करेक्ट। इसका सेकेंड होगा अदर एनिमल ग्रुप्स, ए अदर एनिमल ग्रुप्स, डी इज इंसेक्ट्स। डी क्या है? इंसेक्ट्स सही है। डी इज इंसेक्ट, बी इज मोलस्क, सी इज क्रस्टेशियंस और ए इज अदर एनिमल ग्रुप्स करेक्ट। तो ये इनवर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू गिवन डायग्राम।
डायग्राम को देखते हुए कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है. इट इज़ ए काइंड ऑफ बैरियर मेथड. इट इज़ ए काइंड ऑफ IUD इंट्रायूटराइन डिवाइसेस. ओनली प्रोजेस्ट्रॉन इज यूज्ड ऑल ऑफ दीज. ओके सैफ मलिक. तो ये क्या है ये? यस करेक्ट करेक्ट ऑल ऑफ दीज. तो ये इम्प्लांट है, इम्प्लांट. और मैचस्टिक साइज के इसमें कितने कैप्सूल्स हैं? मैचस्टिक साइज के कितने कैप्सूल्स होते हैं? मैचस्टिक साइज के कितने कैप्सूल्स हैं? नंबर कितना है? नंबर कितना है? नंबर कितना है? यस अनुराधा करेक्ट. सिक्स सिक्स मैच स्टिक साइज कैप्सूल्स. और ये प्रोजेस्ट्रॉन या ईस्ट्रोजन का भी वैसे है NCERT के अकॉर्डिंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोनोइशियस प्लांट? मोनोइशियस प्लांट इनमें से कौन सा है? मार्केशिया, कारा, स्वीट पोटैटो या कुकरबिट्स? कौन सा है मोनोइशियस प्लांट? क्वेश्चन नंबर 108. विच वन इज मोनोइशियस? मोनोइशियस कौन सा होगा? यस कारा, स्वीट पोटैटो एंड कुकरबिट्स. कारा, स्वीट पोटैटो एंड कुकरबिट्स. तो स्वीट पोटैटो में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या बाईसेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर या बाईसेक्सुअल फ्लावर? आपके NCERT में ये डायग्राम दिया हुआ है स्वीट पोटैटो का. यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा या बाईसेक्सुअल फ्लावर? यस वेरी गुड. इट इज एग्जाम्पल ऑफ बाईसेक्सुअल फ्लावर और कुकरबिट्स. अगर यही क्वेश्चन कुकरबिट्स के लिए पूछा जाए, यूनिसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल फ्लावर इन कुकरबिट्स, कुकरबिट्स में कैसा होगा? ये हमारे ऐप पे अवेलेबल है पेपर. कुकरबिट्स में यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल नहीं होगा. कुकरबिट्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट ऑन द सेम प्लांट, सेम प्लांट. इसलिए प्लांट कैसा होगा? मोनोइशियस. इसलिए ये मोनोइशियस. तो यहां पे करेक्ट आंसर 108 का BCD. मार्केशिया जो है ये डायोशियस है. एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर डिफरेंट थैलस पे, इसलिए ये डायोशियस. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इन टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, क्या होगा इसका आंसर? यस पार्थ करेक्ट. यस डॉक्टर स्ट्रेंज. यस डॉक्टर शाश्वत. यस यस हादिया. यस करेक्ट. इनसेमिनेशन. ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इन टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट दैट इज वजाइना इज इनसेमिनेशन. करेक्ट. Which of the following is not reproductive event of human? कौन सा रिप्रोडक्टिव इवेंट नहीं है? गैमेटोजेनेसिस, पार्चुरेशन, गेस्टेशन. कौन सा नहीं है? यस करेक्ट. ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म या बोथ? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में है या जिम्नोस्पर्म्स में है या बोथ? किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ट्रिपल फ्यूजन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक है? बोथ नहीं, एंजियोस्पर्म्स. यस करेक्ट. यस नितिन राजपूत करेक्ट. ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स का ट्रिपल फ्यूजन कैरेक्टरिस्टिक होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट डिटेक्शन एंड इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ STIs, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, अगर लेट डिटेक्ट किए जाएँ और इनका इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले, तो इससे क्या होगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. यस सो दीज आर ऑल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ STI. एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन साइट क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी जहां पर इम्प्लांटेशन अदर देन द यूट्रस, यूट्रस के अलावा कहीं और पर अगर इम्प्लांटेशन हो तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे.
यस जैस्मिनो गौतम करेक्ट, जैस्मिन गौतम करेक्ट, इट इज़ फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला जो होता है वो मोस्ट कॉमन साइट है, फैलोपियन ट्यूब। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी लेबल करने के लिए एनसीईआरटी में ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है, किसी कपल को इनफर्टाइल लेबल करने के लिए ड्यूरेशन कितना है, कितने ड्यूरेशन तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन हो। यस वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड शाश्वत, यस डॉक्टर स्ट्रेंज, यस जैस्मिन, यस रिया, यस सुमन कुमारी, करेक्ट, इट इज़ 2 ईयर्स। गुड, इवन आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन, करेक्ट। नेक्स्ट, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन आर हाई एंड जीन आर लूजली लिंक्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है यहाँ पर। अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, अगर दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्या सही होगा? यस रिया, करेक्ट करेक्ट। तो 112 का करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। लिंकेज जितना ज़्यादा, लिंकेज जितना स्ट्रांग होगा, लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। और डिस्टेंस को मेज़र किस में करते हैं? मैप यूनिट्स में, तो मैप यूनिट्स। और लिंकेज जितना स्ट्रांग होगा तो क्रॉसिंग ओवर उतना वीक होगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी भी वीक होगी। तो लिंकेज इन सब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यस, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन विच द मेल्स डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स बट हैव ए ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन्स। तो जिसमें मेल्स जो हैं उनके फादर नहीं हों और उनके सन भी नहीं हों, बट हैव ए ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ए ग्रैंड सन, तो इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम को क्या बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज, यस, हैप्लो डिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। और ये मिलेगा हनी बी में, हनी बी। इस पॉपुलेशन में 3 तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं, तो इसमें से हैप्लॉयड कौन सा है, हैप्लॉयड कौन सा होता है, हैप्लॉयड कौन सा है, कौन सा है हैप्लॉयड, कौन सा मेंबर हैप्लॉयड होगा? यस ड्रोन, क्वीन एंड वर्कर, करेक्ट, 3 लोग हैं। यस मेल ड्रोन्स, करेक्ट, ड्रोन्स जो होंगे वो हैप्लॉयड होंगे और ये पार्थेनोजेनेटिकली बनेंगे। पार्थेनोजेनेटिकली मतलब फीमेल गैमेट से डायरेक्ट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बनेगा। तो जब मेल गैमेट इससे फ्यूज ही नहीं हुआ तो इसका मतलब इसको फादर की ज़रूरत है ही नहीं, और मेल गैमेट के बिना ही बनेगा तो इसलिए सन भी नहीं होगा। तो हैप्लो डिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, करेक्ट। ए कलर ब्लाइंड मैन हैज ए कलर ब्लाइंड सिस्टर एंड ए नॉर्मल ब्रदर। कलर ब्लाइंड मैन दिया हुआ है, इसकी कलर ब्लाइंड सिस्टर है, कलर ब्लाइंड सिस्टर है और नॉर्मल ब्रदर है, ब्रदर नॉर्मल है। व्हाट इज जीनोटाइप ऑफ फादर एंड मदर? फादर और मदर का जीनोटाइप क्या होगा? तो सन को एक्स क्रोमोसोम मदर ने दिया होगा और डॉटर में भी एक्स क्रोमोसोम मदर देगी, मतलब मदर के पास एक अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है, ये मदर हो गई। और फादर ने वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम अपनी डॉटर को देगा, तो इस डॉटर के पास कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब फादर कैसा हुआ ये। यस मदर कैरियर, करेक्ट करेक्ट। तो 114 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सेकंड, एक्स सी वाई एंड एक्स सी एक्स, मदर एंड फादर। नेक्स्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अकर्स इन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किस में होगा? एचआईवी में, यूग्लिना में, स्ट्रेप्टोकॉकस में या राइजोपस में? क्वेश्चन नंबर 115, फर्स्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यस रेट्रोवायरस, करेक्ट। एचआईवी, तो एचआईवी का जीनोटाइप किसका बना हुआ है, जीनोटाइप किसका है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए,
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किसका बना हुआ है? यस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, करेक्ट करेक्ट। कारा में दोनों ही हैं, कारा में दोनों ही हैं, कारा में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज ओगोनियम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथ्रीडियम, सेम प्लांट पे होते हैं इसलिए कारा जो होगा मोनोइशियस होगा। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे और इसके दो स्ट्रैंड्स होंगे। रेडियो आइसोटॉप, आइसोटॉप फास्फोरस 32 एंड S35, ये किस एक्सपेरिमेंट में यूज किए गए थे? हार्शले चेज एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, फ्रैंकलिन स्टाल, मैथ्यू मिशेलसन एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 116। यस जैस्मिन, यस रिया, यस सुमन, यस डॉक्टर स्ट्रेंज, करेक्ट। यस सोनम, करेक्ट। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने क्या प्रूफ किया था? अनइक्विवोकल प्रूफ, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, अनइक्विवोकली इन्होंने प्रूफ किया था। अच्छा, अगर फास्फोरस यूज़ किया गया, अगर रेडियो एक्टिव फास्फोरस यूज़ किया गया तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ डिटेक्ट होगी, सेल में या सुपरनेटेंट में? सेल में या सुपरनेटेंट में? सेल में या सुपरनेटेंट में कहाँ पर डिटेक्ट होगी? सेल में या सुपरनेटेंट? यस, वेरी गुड वेरी गुड, सेल में, क्योंकि डीएनए में जाएगा। फास्फोरस किस में प्रेजेंट होगा? डीएनए में। और अगर सल्फर यूज करेंगे S35 तब हमें रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में मिलेगी, करेक्ट। इनके एक्सपेरिमेंट में तीन स्टेप्स थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, और थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप क्या था? हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट में तीन स्टेप्स थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, और थर्ड स्टेप वॉज? यस, वेरी गुड, सर्गियोफिलिक, करेक्ट। यस जैस्मिन, करेक्ट। यस शाश्वत, करेक्ट। यस डॉक्टर स्ट्रेंज, यस मिस्टर दिवाकर, यस ऑल ऑफ यू करेक्ट। इट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, गुड, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज 150। अगर 150 अमाइनो एसिड्स हैं, द नंबर ऑफ एमआरएनए बेसिस रिक्वायर्ड इज, तो इसके लिए बेसिस कितने चाहिए होंगे? तो एक कोडॉन के लिए तीन बेस, एक कोडॉन के लिए तीन बेस चाहिए। वन कोडॉन इज मेड अप ऑफ थ्री बेसिस, और 150 के लिए 450, और एक होगा स्टॉप कोडॉन जिसमें तीन बेस और होंगे। यस करेक्ट, तो 453, करेक्ट 453। एक कोडॉन तीन बेसिस का बना हुआ है, तो 150 कोडॉन चाहिए 150 अमीनो एसिड्स के लिए, 450 बेसिस हो गए, और एक यहाँ पर स्टॉप कोडॉन वाला, स्टॉप कोडॉन में भी तीन बेसिस, करेक्ट 453। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है? पॉलन ग्रेन वायबिलिटी 30 मिनट्स इन रोजेसी, मेनी ओव्यूल इन ओवरी मैंगो, वन ओव्यूल इन ओवरी पैडी, क्या है यहाँ पर करेक्ट मैच? यस गौतम डिंगरा, करेक्ट। यस रिया, करेक्ट। यस सैफ मलिक, करेक्ट। यस करेक्ट, ऑल ऑफ यू करेक्ट। यस इट इज थर्ड, वन ओव्यूल इन ओवरी, इट इज पैडी। राइस, वीट, मैंगो, इन सब में सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी। अच्छा, मैंगो जो है ये इन्फीरियर ओवरी से या सुपीरियर ओवरी? जहाँ पर ड्रूप दिया हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है, इन्फीरियर ओवरी या सुपीरियर ओवरी? मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी या इन्फीरियर? वेरी गुड वेरी गुड। यस हादिया, यस सर्गियोफिलिक, यस पार्थ, वेरी गुड। नितिन राजपूत, वेरी गुड। यस सुपीरियर ओवरी, करेक्ट सुपीरियर ओवरी। तो रोजेसी के अलावा और कौन से हैं? लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी। यहाँ पर पॉलन ग्रेन वायबिलिटी कितनी है? मंथ्स, 30 मिनट्स नहीं होगी, मंथ्स होगी। और मिनट्स की किस में है? सीरियल्स में।
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये किसने किया था, ये किसने किया था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन? यस, वेरी गुड, टी एच मॉर्गन, करेक्ट, टी एच मॉर्गन। और शेरमार्क और कॉरेंस का क्या कंट्रीब्यूशन है? शेरमार्क और कॉरेंस, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? शेरमार्क और कॉरेंस का कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ शेरमार्क एंड कॉरेंस, यस, रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क अलॉन्ग विद ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज भी थे इनके साथ, इन लोगों ने इंडिविजुअली रीडिस्कवरी की थी, रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क, करेक्ट। और थियोडोर बोवेरी, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? थियोडोर बोवेरी, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? बोवेरी का कंट्रीब्यूशन क्या है? बोवेरी का कंट्रीब्यूशन यस क्रोमोसोमल थ्योरी, करेक्ट। तो क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था टी एच मॉर्गन ने, करेक्ट। 118 में क्या है? 118 तो सही है, करेक्ट पूछा हुआ है। वन ओव्यूलिन ओवरी पैडी प्लेसेंटा किससे रिलेटेड है? गाइनोशियम से, प्लेसेंटा इज रिलेटेड विद गाइनोशियम। प्लेसेंटा कहाँ होगा? गाइनोशियम। एंडोशियम तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच दिया हुआ? बैक्टीरियोफेज लैम्डा 5 × 174, बैक्टीरियोफेज लैम्डा ई कोलाई, किसके बेस पेयर सही दिए हुए हैं? किसके बेस पेयर सही हैं? यस गौतम ढींगरा, करेक्ट। यस पार्थ, करेक्ट। यस अनुराधा, करेक्ट। यस आदिया, गुड। बैक्टीरियोफेज लैम्डा 48,502 बेस पेयर, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर 148,000 दिया था और यहाँ पर है ये 5,386, ये 00 गलत दिया हुआ है। और ये मिलियंस हैं, बिलियन नहीं, 10^6, 4.6 × 10^6 बेस पेयर्स हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंटली परसेंट ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज, ऑल मैमल्स, एम्फीबियन स्पीसीज एंड जिम्नोस्पर्म इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, तो ये है 12, 23, 32, 31, बर्ड्स, मैमल्स और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। यस गुड, 12, 23, 32, 31। नेक्स्ट, इफ़ द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग एवोल्यूशन देन वॉट इज द इफेक्ट ऑन ऑर्किड, ऑफ्रिस, ऑफ्रिस पे क्या असर पड़ेगा अगर फीमेल बी कलर चेंज हो, बी कलर का पैटर्न चेंज हो? तो ये सूडो कॉपुलेशन के लिए, यस, और फीमेल बी कलर का रिजेम्बलेंस किसके साथ है? पेटल के साथ। तो वन पेटल ऑफ ऑर्किड फ्लावर ऑल्सो चेंज टू मेंटेन द रिजेम्बलेंस। और ये एग्जाम्पल है किसका? ये एग्जाम्पल किस एवोल्यूशन का है? विस टाइप ऑफ एवोल्यूशन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ विस टाइप ऑफ एवोल्यूशन, किस तरह के एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है ये? एवोल्यूशन कौन सा होगा? यस को एवोल्यूशन, करेक्ट। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ को एवोल्यूशन, दोनों को साथ साथ इवॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी मैचिंग्स आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में, विविधता के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है? इंडिया मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर हैं 1300, कोलंबिया में है 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, और ग्रीनलैंड यहाँ पर हैं 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 123 इनकरेक्ट पूछी गई है, यस। तीन, पहला वाला तो सही हो गया ना, इंडिया में तो मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 1200 हैं,
By catalytic converters, carbon monoxide and nitric oxide of the exhaust are converted respectively into catalytic converters. Carbon monoxide और nitric oxide को convert करेंगे respectively into, these are converted into. Yes, Shivani, राधे राधे, good evening. Yes. कैटालिटिक कन्वर्टर्स कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ये किस में कन्वर्ट करेंगे. यस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, करेक्ट. और अगर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स के लिए पूछा जाए, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स के लिए क्या सही है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स के लिए क्या सही होगा. वेरी गुड गौतम डिंगरा, कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगा. यस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, करेक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज. अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्व डुअल पर्पस इन रेप्लिकेशन प्रोसेस. रेप्लिकेशन प्रोसेस में डुअल पर्पस कौन सा है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, कौन सा होगा जो डुअल पर्पस. यस नितिन राजपूत, वेरी गुड. यस सचिन, यस करेक्ट. यस सोनम, यस अनुराधा, यस गौतम, यस GTP, गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, करेक्ट. तो ये दो काम करेगा, एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है और दूसरा काम क्या होगा, डुअल पर्पस लिखा हुआ है ना, तो दूसरा पर्पस कौन सा सॉल्व होगा इससे. यस सर्गियोफिलिक, करेक्ट. यस गौतम, करेक्ट. ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा रेप्लिकेशन प्रोसेस में, जो चाहिए होगी उसके लिए ये एनर्जी प्रोसेस एनर्जी प्रोवाइड करेगा. तो गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट में जो दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं, ये कहाँ पर हैं, ये मिडिल वाले हैं या टर्मिनल वाले हैं, दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होंगे ट्राईफॉस्फेट में, ये मिडिल पे होंगे या टर्मिनल पोजीशन पे. यस वेरी गुड, यस आदिया, वेरी गुड. यस गौतम, यस शिवानी, ये हम लोगों का टेस्ट हुआ था आज, उसी का पेपर डिस्कशन है. केमिस्ट्री का हो चुका है, बायो का चल रहा है. यस टर्मिनल पोजीशन. नेक्स्ट, विच सेल्स ऑफ बॉडी इज नोन एज HIV फैक्ट्री. HIV फैक्ट्री की तरह कौन सी सेल्स हैं जो काम करती हैं, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इसनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, कौन सी सेल्स हैं. यस वेरी गुड, मैक्रोफेजेस, करेक्ट. मैक्रोफेजेस का नंबर कम होगा और ये लगातार HIV प्रोड्यूस करेंगे, HIV फैक्ट्री की तरह. HIV इन्फेक्शन में CD4 काउंट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा. CD4 काउंट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स विल इंक्रीज और डिक्रीज. क्या होगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का. यस वेरी गुड, इट विल डिक्रीज, करेक्ट करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है. जेनाइटल हर्पीज क्योरेबल STI, नॉन क्योरेबल इज जेनाइटल वॉर्ड्स, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, फैमिली प्लानिंग 1981. गुड गुड, वेरी गुड. यस, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ये इंड्यूस्ड अबॉर्शन है. फैमिली प्लानिंग का ईयर क्या है, व्हाट इज द करेक्ट ईयर ऑफ फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था, फैमिली प्लानिंग. यस वेरी गुड नितिन, यस अनुराधा, 1951, इट इज 1951. और जेनाइटल हर्पीज ये क्या है, ये इनक्योरेबल STI है. और जेनिटल हर्पीज का कॉजिटिव एजेंट क्या होगा, कॉजिटिव एजेंट, दिस इज नॉट क्योरेबल, ये क्योरेबल नहीं है, इनक्योरेबल है, नॉन क्योरेबल. यस हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, गुड जैस्मिन, करेक्ट. हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, करेक्ट. और जेनिटल वार्ड्स का कॉजिटिव एजेंट, कॉजिटिव एजेंट्स फॉर जेनिटल वार्ड
जेनाइटल वार्ड्स के लिए कॉजिटिव एजेंट क्या है? व्हाट इज कॉजिटिव एजेंट फॉर जेनाइटल वार्ड्स? यस हादिया रूमी, यस करेक्ट गौतम डिंगरा, यस यस करेक्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, करेक्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. नेक्स्ट, नॉर्मली प्लेसेंटा इज फाउंड बाय द इंटरडिजिटेशन ऑफ, इंटरडिजिटेशन किसके इंटरडिजिटेशन से बनेगा, किसके इंटरडिजिटेशन से बनेगा प्लेसेंटा, किसके इंटरडिजिटेशन से? यस कोरियोनिक विलाई विद यूट्राइन वॉल, करेक्ट. तो इसीलिए ह्यूमन प्लेसेंटा को क्या बोला जाएगा, ह्यूमन प्लेसेंटा को क्या बोला जाता है? ह्यूमन प्लेसेंटा इज नोन एज इंटरडिजिटेशन, का मतलब हुआ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो यूट्रस की वॉल में अंदर धस जाएंगे, इंटरडिजिटेशन. जैसे ये फिंगर्स इंटरलॉक हैं उस तरह से इंटरडिजिटेशन. इट इज कोरियोनिक प्लेसेंटा, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक प्लेसेंटा बोलते हैं, कोरियोनिक प्लेसेंटा. और चूंकि इसमें यूट्रस से जो ब्लड होगा मैटर्नल ब्लड, वो कोरियोनिक विलस वाले जो स्पेस है वहाँ पर होगा, इसलिए हीमोकोरियल भी बोलते हैं. हीमोकोरियल, हीमो मीन्स ब्लड, कोरियल हीमोकोरियल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी मैचिंग करेक्ट है? क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोमियर्स, पेरिवेटलाइन स्पेस, कौन सी मैचिंग यहाँ पर करेक्ट है? तो क्लीवेज कहाँ होगा? जाइगोट में. इम्प्लांटेशन किसका होगा? यूट्रस में. ब्लास्टोमियर्स क्या है? ये डॉटर सेल्स जो क्लीवेज से बनेंगी. और पेरिवेटलाइन स्पेस कहाँ होगा? ओवम में. तो ए इज फर्स्ट, बी इज थर्ड, सी इज सेकेंड एंड डी इज फोर्थ. इम्प्लांटेशन किस स्टेज का होता है? इम्प्लांटेशन यूट्रस में किस स्टेज का होगा? जायगोट का, मोरूला का, गैस्ट्रोला का, किसका? इम्प्लांटेशन किस स्टेज का होगा? यस गौतम डिंगरा, वेरी गुड. यस पार्थ, वेरी गुड. यस नितिन राजपूत, गैस्ट्रोला नहीं, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, करेक्ट. इट इज ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला, करेक्ट. दो लेयर्स का होगा ये, करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ बीटा चेन, कौन सा है करेक्ट सीक्वेंस बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इन एन इंडिविजुअल विद सिकल सेल एनीमिया, कौन सा सही है? विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है? अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है. यस रूपाली, वेरी गुड इवनिंग. तो यहां पर सेकंड, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनीन, प्रोलीन, वैलिन एंड ग्लूटामिक एसिड, करेक्ट. तो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन एट सिक्स्थ पोजीशन. वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनीन, प्रोलीन और ये ग्लूटामिक एसिड, करेक्ट करेक्ट. सो आई हैव कवर्ड क्वेश्चन नंबर 101 to 130. नाउ फर्दर क्वेश्चन विल बी डिस्कस बाय माई फेलो पार्टनर डॉक्टर मनीष गुप्ता सर. आइए सर, enjoy the session. Thank you sir, thank you, very good students answering very well, kya baat hai, thank you all of you, thank you so much. Good evening bachcho, kaise hain sabhi? Chaliye 31 onward kaam karte hain hum log. Question number 131, which of the following is considered as population, inme se kaun population hai, chaliye bataiye bhai. रैट्स इन एबेंडोन डवेलिंग, बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक्ट, ऑल ऑफ दीज. तो मुझे लग रहा है तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया. पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहते हैं. तो चाहे आप रैट्स इन खाली स्थान, खाली पड़े स्थान में जो रैट्स हैं वहाँ पे,
बैक्टीरिया कल्चर प्लेट में वो भी पॉपुलेशन है, इवन जो फॉरेस्ट में ट्रीज हैं वो भी आपकी पॉपुलेशन कंसिडर की जाएगी, राइट? तो पॉपुलेशन इज नथिंग, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग इन अ गिवन एरिया, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। हाँ, खाली स्थान भाई, मतलब अबेंडेंट ड्वेलिंग मतलब होता है खाली। राइज इन टेम्परेचर इज लीडिंग टू डेलेटेरियस चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड रिजल्टिंग इन ऑड क्लाइमेटिक चेंज सच एज। ऑड क्लाइमेटिक चेंज मतलब होता है कि जहाँ पे ठंड है वहाँ पे गर्म पड़ने लगे, जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे ठंडा होने लगे। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वाटर लॉगिंग, अल नीनो इफेक्ट। क्या कहते हैं सर इसको? तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑड क्लाइमेटिक चेंज के बारे में पूछा है, तो सर ऑड क्लाइमेटिक चेंज को हम लोग बोलते हैं अल नीनो इफेक्ट। क्लियर? आंसर तो इसका हो जाएगा फोर्थ। लेकिन सर देखिए, किस कारण से होता है? जैसे टेम्परेचर राइज किस कारण से होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर तो आपका फोर्थ निकल आया, क्योंकि पूछ रहा है सिर्फ कि व्हाट इज ऑड क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है ना? लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके कारण आएगा ग्लोबल वार्मिंग, और इसके कारण आएगा बेटा आपका अल नीनो इफेक्ट। तो याद रहेगा? हाँ भाई, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या आया? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जहाँ पे ठंड होगी वहाँ का मौसम बदल के गर्मी जैसा हो जाएगा, और जहाँ पे गर्मी पड़ रही होगी वहाँ पे, जैसे राजस्थान के डेजर्ट हैं वहाँ पे फ्लड आने लगेंगे, बाढ़ आ जाएगा वहाँ पे, तो मौसम बदल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं अल नीनो इफेक्ट। ओजोन डिप्लेशन, जो ओजोन लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में गुड ओजोन पाया जाता है और ट्रोफोस्फेयर में बैड ओजोन पाया जाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन की लेयर होती है वो थिनिंग होने लगती है, तो उसको बोलते हैं डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब छीड़ होना, कम होना, नष्ट होना, ठीक है? और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है? वाटर लॉगिंग, किसी एक प्लेस पे अगर पानी इकट्ठा हो उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग। ग्रीन हाउस, जब हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन किया था, हरित क्रांति आई थी, तो उस समय वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी एक मेजर प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि उसमें सिंचाई अच्छे से कर रहे थे लोग, तो सिंचाई अच्छे से करने से पानी, जब आप अपने खेतों को ज़्यादा दोगे तो जो सॉल्ट होंगे जो आपके सॉइल में होंगे ऊपर चले आते हैं, तो वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी बिकम्स द मेजर प्रॉब्लम ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर इसका हो गया अल नीनो इफेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? इनकरेक्ट मैच पूछा है सर, चलिए बताइए। क्लिनिकल ट्रायल्स, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, प्यूरिफिकेशन, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायो रिएक्टर, एजिटेटर सिस्टम। विपेंद्र, कहाँ सिलेक्शन हो रहा है? कितना नंबर आया बेटा आपका? तो बेटा याद रखिएगा, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग मतलब होता है कि प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी सफाई करना, उसकी चेकअप करना कि भाई ये प्रोडक्ट जो बना है सही है कि खराब है। तो सर क्लिनिकल ट्रायल मतलब चेक कर रहे हो, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आएगा, यानी ये क्या हो गया? ट्रू। प्यूरिफिकेशन, सफाई कर रहे हो, मेन मटेरियल को प्यूरीफाई कर रहे हो, ये भी आएगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। ट्रांसलेशन बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। तो भाई प्रोटीन एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट बनने के बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होगा तो ये गलत हो जाएगा। अब बायो रिएक्टर में एजिटेटर सिस्टम होता है, एक घूमने वाली मशीन लगी होती है, उस मशीन के घूमने के कारण जो मिक्सर होता है वो कंटिन्यूसली नीचे का ऊपर घूमता रहता है, और पूरे मिक्सर में ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहती है। और एक अच्छी बात है कि जो बायो रिएक्टर होता है उसका जो बेस होता है वो कर्व्ड होता है, तो जिसके कारण एजिटेटर सिस्टम जब प्रोपेलिंग करेगा तो अच्छे से थॉरफ मिक्सिंग हो सकती है,
अब बायोरिएक्टर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है 100 to 1000 लीटर्स का हो सकता है, ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्लियर? सिक्स नाइन्टी फाइव, देखो बेटा हो सकता है कहाँ का है। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट? रोजी काउ, एक्सटिंक्ट एनिमल, वैक्सीन शिफ्टिंग, ट्रांसजेनिक माउ, जीन थेरेपी, एडिया डिफिशियंसी, जीन थेरेपी, करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट। कितनी मैचिंग करेक्ट है? गुड विपेंदर। तो देखिए जरा, रोजी काउ 1997 में एक ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी, रोजी। तो सर ये एक्सटिंक्ट मतलब होता है ऐसे एनिमल जो खत्म हो गए, नष्ट हो गए, जिनके कोई मेंबर अभी भी रिपोर्टेड नहीं है, तो एक ऐसा ट्रांसजेनिक काउ है, इसलिए गलत हो जाएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा, इस ट्रांसजेनिक काउ रोजी का जो मिल्क था उसमें पाया जाता अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, और जिसका कंटेंट होता 2.4 ग्राम पर लीटर, और ये बैलेंस्ड मिल्क होता है देन नेचुरल काउ। वैक्सीन सेफ्टी में ट्रांसजेनिक माइस का इस्तेमाल करते हैं, ये ट्रू है। जीन थेरेपी में आपका पहली बार क्लिनिकल ट्रायल किया गया था 1990 में एडीए डिफिशियंसी 4 ईयर गर्ल चाइल्ड पे, और जीन थेरेपी में करेक्शन ऑफ जीन करते हैं। तो तीन बातें सही हैं, एक बातें गलत हैं, आंसर हो जाएगा पहला। सारे बच्चों ने जवाब दे दिया, क्या बात है विपेंद्र, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सचिन बच्चा, इसी बात पे सभी लोग लाइक करिए। अच्छा एक पॉइंट और याद होना चाहिए, ट्रांसजेनिक माइस का जो परसेंटेज होता है वो 95% से ज़्यादा होता है। तो जो भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में उसमें सबसे ज़्यादा ग्रुप किसका होता है? ट्रांसजेनिक माइस का। इल्यूशन स्टेप इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन हेयर? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कटिंग आउट ऑफ द DNA बैंड फ्रॉम एग्रो जेल, एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA फ्रॉम जेल पीस, 2 and 3। तो बेटा याद रखिएगा, इल्यूशन स्टेप में होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA फ्रॉम जेल पीस, लेकिन भाई एक्सट्रैक्शन करने के पहले उसको कट तो करोगे ना, तो कटिंग एंड एक्सट्रैक्शन ये दोनों वर्ड आना चाहिए। तो कटिंग एंड एक्सट्रैक्शन दोनों आएगा तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है? अच्छा नहीं नहीं भाई नितिन ध्यान देना जरा, अब याद देख रहा हूँ, आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले कराया जाता है, यहाँ पे वेल्स बने होते हैं लेन नुमा, यहाँ हो गया कैथोड और यहाँ हो गया एनोड। एनोड सर आपका पॉजिटिव होता है, कैथोड आपका निगेटिव होता है। DNA जितना छोटा होगा उतना एनोड की तरफ भागेगा। अब जो बैंड बन गया है इसको विजुलाइजेशन करने के लिए हम लोग ETBR इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं और UV लाइट का यूज करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, तो कहाँ पे लोडिंग करते हैं, किधर की तरफ भागता है, एक क्वेश्चन। किससे स्टेनिंग कलर किससे करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। किस लाइट में देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, यूवी लाइट। और जो बैंड बनता है वो बनता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर बैंड। ठीक है? MA MNC मिल जाए तो बढ़िया बेटा, ले लो, क्या दिक्कत है। MA MNC कम नहीं है, 695 कम नहीं होता है। तुम अपना नंबर दे दो, कॉल करते हैं तुमको। विपेंदर नंबर दो बेटा। इल्यूशन स्टेप इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ईयर? तो बेटा ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आर नॉट प्रेजेंट इन हिस्टोन ऑक्टामर? H2A H3 H4 H1। एम्स दिल्ली तो मिल जाएगा 695 में बेटा आपको। आराम से मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आर नॉट प्रेजेंट इन हिस्टोन ऑक्टामर? H2A H3 H4 H1। तो याद रखिएगा H1 नहीं होता
और हिस्टोन ऑक्टामर है तो यहाँ पे पाया जाता है H2A, H2B, H3, H4 और हर एक के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? दो, तो चार दुनिया आठ, इसीलिए बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और इसके चारों तरफ DNA रैप्ड होता है और जो इनको लिंक करता है उसका नाम होता है H1। तो H1 हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट नहीं तो बाहर होता है। ये पूरा मॉडल कहलाता है सर आपका न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में आपके आते हैं DNA रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। तो H1 पार्ट नहीं होता हिस्टोन ऑक्टामर का। और यही न्यूक्लियोसोम मिलके एक क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं जिसका नाम होता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जो क्रोमेटिड होता है, मोतियों की माला जैसा दिखता है ऑक्टामर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट? सिट्रिक एसिड, फंगस, ईस्ट, एल्कोहल, साइक्लोस्पोरिन ए, वायरस, स्टैटिन्स, बैक्टीरिया। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हाँ भाई 200 बेस पेयर, या राइट नितिन? तो देखिए सिट्रिक एसिड फंगस से निकलता है, उसका नाम होता है एस्परजिलस नाइगर। तो ये जो सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड निकलता है ये आपका, ये तो बाकी का नाम तो आप याद है, जैसे एसिटिक एसिड तो एसिटोबैक्टर एसिटाई से निकला, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से निकला, ब्यूटारिक एसिड क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम से निकला। तो बैक्टीरिया से निकलते हैं और नाम से जुड़े होते हैं तो उनको याद करना आसान है। लेकिन सिट्रिक एसिड का जो फंगस है उसका नाम है सर एस्परजिलस नाइगर। एक तो फंगस है, बाकी सब कैसे बैक्टीरियल है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको याद करना पड़ेगा। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, बेकर्स एंड ब्रीवर्स ईस्ट बोलते थे, एल्कोहल तो बनेगा ही। साइक्लोस्पोरिन ए, वायरस, ये गलत हो जाएगा। देखिए स्पोरिन में स्पोर आता है, ये फंगस से निकलता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, स्पोर यहां पे भी, स्पोर यहां पे भी, ठीक है। ये क्या है? फंगस है आपका, क्योंकि आपको पता है ट्राइकोडर्मा आपने पढ़ा होगा ड्यूट्रोमाइसिटीज में। स्टैटिन ये आपका, ये भी फंगस से निकालते हैं, बैक्टीरिया से नहीं निकालते हैं। ईस्ट होता है जिसका नाम है मोनेस्कस, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, परप्यूरियस। तो भाई साहब आपका मैचिंग करेक्ट पूछा है, तो दो करेक्ट है, दो इनकरेक्ट है, आंसर हो गया थर्ड। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होता है और साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है भाई, तो आसान है। हाउ मेनी डिजीजेस आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? तो चलिए पता करिए फटाक से, निमोनिया, टाइफाइड, साइफिलिस, कोलेरा, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वर्ट्स, डायबिटीज, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, एड्स, गोनेरिया, मलेरिया। चलिए देखते हैं, तो जो जो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो उसमें हम लोग देख लेते हैं। निमोनिया आपका बेटा लंग्स को करता है, बैक्टीरियल डिजीज है, स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिस होता है, तो ये नहीं होगा आपका। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफीमुरियम, नहीं होगा। साइफिलिस आपका STI में आता है, ट्रिपेनोमा पैलेडियम से होता है। कॉलरा विब्रियो कॉलरी से होता है, कॉलरा में आपका डिसेंट्री और फ्रिक्वेंट क्या होगा, वोमिटिंग होगी। क्लेमाइडियासिस ये आपका जेनाइटल ऑर्गन को होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। जेनाइटल वर्ड्स ये भी आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। डायबिटीज आपको जानते हो, हेपेटाइटिस बी भी आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, जेनाइटल हर्पीज भी है, एड्स भी है और गनोरिया भी है। तो ये बना आपका 3, 4, 3, 7, तो 3, 4, 3, 7 हो गया बेटा आपके, कैसे हैं STI। इन सब क्वेश्चन में बेटा आप सिंपल सा देखा करिए कि मैचिंग जो सामने वाला है किसी ना किसी प्रकार से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, आप कर लोगे। सामने मिलो क्वेश्चन तभी बताएंगे कैसा क्या आप सोच रहे हो। अब भाई इसमें एक चीज याद रखिएगा, नॉट कंप्लीटली नॉट क्यूरेबल, तो इसमें ये जो हैं आपके हेपेटाइटिस, जेनाइटल हर्पीज और एड्स,
ये सर आपके कंप्लीटली नॉट क्यूरेबल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, पीसीआर प्रोब अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन वैक्सीन सेफ्टी। मैचिंग का क्वेश्चन तो आसानी से हो जाता है आप लोगों का। चलिए, तो पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और एक लाइन लिखी होगी कि पीसीआर का अब रूटीन यूज किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ एचआईवी। प्रोब रेडियो एक्टिव होते हैं, और याद रखिएगा ये आपके डीएनए भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ध्यान रखिएगा जो भी होगा सिंगल स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि वो जैसा भी अपना कॉम्प्लीमेंट्री होगा उससे जाके चिपक जाएगा और वहां पर एक बैंड बनाएगा। अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन ए बेटा इम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, और वैक्सीन सेफ्टी ट्रांजेनिक माई यूज होता है। तो ए वन बी थर्ड देखिए एक ही ऑप्शन में है, ए वन बी थर्ड, तो आंसर तो मिल गया आपका, ए होना चाहिए, नहीं ए ही है। और इम्फाइसीमा याद करिएगा, ए बेटा आपका आता है सिगरेट स्मोकिंग से, और इसमें याद कर लीजिएगा लंग्स का जो लंग्स रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है, आरएसए मतलब होता है रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट जाता है। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीबीआर 322 रिस्पेक्टिवली, तो पीबीआर 322 इसके सारे चीज याद करने के साथ साथ इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए आपको। तो प्लाज्मिड बैसिलस रेडियो एक्टिव, प्लाज्मिड बैसिलस रॉडिग्रेज, प्लाज्मिड बॉलिवर रॉडिग्रेज, प्लाज्मिड बॉलिवर रेडियो एक्टिव। तो ये हो जाता है बेटा आपका प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिगेज, तो थर्ड इज द आंसर। आई थिंक सभी लोगों ने जवाब दे दिया, वेल डन, यस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैलिंड्रोमिक सिक्वेंसेस, तो सर पैलिंड्रोमिक सिक्वेंसेस ऐसे सिक्वेंसेस होते हैं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप पढ़ेंगे तो क्या होंगे, सेम पढ़ने में आएंगे। जैसे मैं पहला देखता हूं तो 5 to 3 prime की पोलैरिटी में मैंने पढ़ा GAA TTC, अब सेम पोलैरिटी में पढ़ना होगा हमें, रीडिंग फ्रेम की पोलैरिटी केप्ट सेम होनी चाहिए, सेम। अब देखिए मैंने 5 से 3 में पढ़ा था, मैं फिर से दोबारा 5 से 3 में पढ़ूंगा GAA TTC, ठीक है ना। तो ये भी है TA 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 5 से 3, इधर देखो TA TA TA, ये भी है GAG CTC GAG CTC, तो सारे क्या हैं सर आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर ग्लू, ग्लू मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसको हम लोग किसी चीज को चिपकाने में यूज करते हैं, ठीक है, जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। हेलिकेजेस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, लाइगेजेस, टोपो आइसोमेरेजेस, तो मुझे लग रहा है सबको पता होगा कि डीएनए लाइगेज जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं डीएनए को, तो मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करेगा, क्योंकि डीएनए क्या मॉलिक्यूलर चीज है। हेलिकेज का दूसरा नाम होता है सर आपका अनवाइंडेज, हेलिकेज या अनवाइंडेज इसका इस्तेमाल करते हैं ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लीकेशन, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, रेप्लीकेशन के समय करेगा सर आपका, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन के समय आपका आरएनए पॉलीमरेज डीएनए हेलिक्स को ओपन करता है, ये बात कई बार बोला गया है और आपके दिमाग में होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज मॉलिक्यूलर फेजर होते हैं, और ये जिस साइट पर एक्ट करते हैं उस सिक्वेंस का नाम होता है पैलिंड्रोमिक सिक्वेंसेस। लाइगेजेस जोड़ने का काम आता है। टोपो आइसोमेरेज सेकेंड बोले या इसमें बोलते इसका दूसरा नाम हम बोल सकते थे सर डीएनए गायरेज। तो ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, तो भाई जब किसी चीज को खोलते हैं ना तो उसमें ऐठन आ जाती है जिसको बोलते हैं टॉर्जन, तो क्या करता है रिमूव टॉर्जन, जो ऐठन आती है उसको क्या करता है सर आपका रिमूव करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन आर इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ। तो स्टेप्स बोलिए सर। यस, ये डीकम्पोजिशन प्रोसेस के क्या हैं, स्टेप्स हैं, तो याद कर लीजिएगा। वैसे तो सर इसमें कोई स्टेप नहीं आता है, मतलब ये सारे काम साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं, लेकिन मान लो अगर आपको कभी स्टेप पूछ ले तो 1, 2, 3, 4 ठीक है और 5 ऐसे करके आप याद कर सकते हो, लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं साइमल्टेनियस चलती है, याद रखिएगा। स्ट्रेटिफिकेशन का डेफिनेशन होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, यू मतलब टू, ट्रॉफिक मतलब होता है नरिशमेंट, तो यू ट्रॉफिकेशन मतलब होता है एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द लेक। तो पानी में अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा आ जाएगा तो यूट्रोफिकेशन कहते हैं। बायो मतलब लिविंग, मैग्निफिकेशन मतलब बढ़ जाए, तो लिविंग के अदर अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ता है तो इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अब बायो मैग्निफिकेशन का आपने डाटा याद कर लीजिए, अगर आप लोगों ने याद होगा DDT का आपने देखा होगा 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, 0.04 पार्ट्स पर मिलियन, 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, 2 पार्ट्स पर मिलियन, 25 पार्ट्स पर मिलियन। ये सर आपका वाटर का है लेवल DDT का, ये आपका है जूप्लैंकटन का, ये है आपका स्मॉल फिश छोटी छोटी मछलियों का, ये है आपका लार्ज फिश और ये है आपका फिश ईटिंग बर्ड। तो फिश ईटिंग बर्ड, एक बार पेपर आया था इस बर्ड का नाम दे दिया था, तो बर्ड का नाम भी चाहो तो याद कर लो सीगल। ठीक है, ये है आपका बायो मैग्निफिकेशन ऑफ DDT, आपको याद होगा मुझे लग रहा है। चलिए आगे बढ़े। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, डिकम्पोजिशन और कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ट्रीज। चलिए फ्यूचर डॉक्टर जवाब दीजिए। जरा लाइक वाइक कर दो तो लगेगी मजा आ रहा है तुम्हें। तो जीवन नहीं चलेगा बिना एनर्जी के, तो भैया कांस्टेंट एनर्जी ऑफ सोलर इनपुट चाहिए ही चाहिए। जैसे कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी मेन पहले आता है, पहले रोटी आता है मतलब कि एनर्जी। एयर एक्ट बिकम इफेक्टिव इन इंडिया 1981, 1992, 1982, 1970, ये तो आसान है भाई। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आया बेटा आपका 1981, और इसमें नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज एज अ पॉल्यूशन ऐड हुआ था इन 1987, यानी इसमें बदलाव होके यूज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, बाइनरी फिजन, बडिंग, ऑफसेट, राइजोम, ईस्ट, पैरामिशियम, जिंजर एंड वाटर हायसिंथ। चलिए हम लोग मैचिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए। अगर मैचिंग में खाली सा मैचिंग में रहता है, टेंशन नहीं रहता ना कि ऑप्शन दिए रहते हैं, समझ में आ जाता है। लेकिन सर देखिए आपका देखिए बाइनरी फिजन, चलिए हम लोग तो मालूम है बाइनरी फिजन पैरामिशियम आप लोग पढ़ते हो अमूमन, बडिंग कहाँ पढ़ते हो, ईस्ट में पढ़ते हो, ऑफसेट हो गया बेटा आपका वाटर हायसिंथ में, राइजोम हो गया आपका जिंजर में। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि भाई राइजोम आपका बनाना लोटस जिंजर में आता है, वाटर हायसिंथ और पिस्टिया में आपका होता ऑफसेट। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा A2 B1, तो आंसर हो गया आपका सेकंड, राइट। अब जरा देखो भाई साहब,
बाइनरी फिजन मतलब फिजन आपका ईस्ट में भी होता है, जो ईस्ट होता है इसमें भी फिजन होता है, तो इससे भी मैचिंग कर जाता है। लेकिन आपको पता है कि बडिंग आपने ईस्ट में देखा है, एक चीज है, दूसरा है कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बना है, ठीक है, इसलिए आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। तो कभी कभी दिमाग बच्चे में हो सकता आ जाए कि सर ईस्ट में भी तो फिजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन मिनरल हेल्दियर फैट एंड हायर प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन बायोफोर्टिफिकेशन बायोमैग्निफिकेशन ट्रांसप्लांटेशन। तो आपको पता है ये आपका बेटा दो बार एग्जाम में कंसेक्यूटिव पूछा गया, 2021 एंड 2022। तो इसका बढ़ाने का मतलब न्यूट्रिएंट क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, जिसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। इसका एक एग्जांपल हो जाता है आपका गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस में आपको पता होगा कि विटामिन ए पाया जाता है, तो खाना भी खाइए साथ साथ विटामिन भी लीजिए। बायो मैग्निफिकेशन अभी आपको बताया मैंने, पूरा चार्ट दिखाया। ट्रांसप्लांटेशन, ये बेटा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा कि जब आपका फेलवर हो जाए किडनी का या किसी पार्ट का जो काम करना बंद कर दे, तो उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अगर कोई फॉरेन ऑर्गन आया तो उसको मार देगा, उस समय हम लोगों को इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना होता है, तो उसके लिए हम लोग इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट क्या लेंगे, साइक्लोस्पोरिन ए। इम्यून सिस्टम को दबाए रखेगा। फिर एक क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि हमारी बॉडी की कौन सी इम्यूनिटी इसके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन के लिए, मार डालने के लिए जिम्मेदार होती है, तो होती है सर आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बाय टी लिम्फोसाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन रहा, सेल मीडिएटेड, नहीं ह्यूमोरल नहीं बच्चा, गौतम डिंगरा गलत है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, अरे क्लास कब तक चलेगी, चलवे करेगी जब तक चलना होगा। अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम, अ गिवन स्पीसीज ऑलवेज ऑक्यूपाई, ऑलवेज नहीं होता भाई, यहाँ पे में होगा। तो एक स्पीसीज एक समय में एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल को ऑप्टेन कर सकती है। अ गिवन स्पीसीज मे नॉट ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम। तो देखो मेरे हिसाब से वन इज बेस्ट करेक्ट, बेस्ट करेक्ट मतलब ये एनसाइटिक लाइन भी है और सबसे ज़्यादा सही है, थर्ड भी सही है भाई साहब, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, वन टू दिया है, वन थर्ड देता तो मैं आंसर फोर्थ मान लेता, क्योंकि यहाँ पे मे है, मे ऑक्यूपाई यानी कुछ क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो कुछ नहीं भी कर सकते हैं। क्लियर, ध्यान दीजिएगा ये बात, ये भी सही होगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं था, एनसीईआरटी की जो लाइन है उसको आप आंसर चूज करिएगा, राइट। अरे डी कहाँ से दे रहे हो, ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ऑक्यूपाई ओनली वन ट्रॉफिक लेवल तो गलत हो जाएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल है कि कोई बर्ड है, बर्ड ने खाया सीड तो किस ट्रॉफिक लेवल पे आया, T2 लेवल पे। अगर बर्ड ने खाया इंसेक्ट तो किस ट्रॉफिक लेवल पे आया, T3 लेवल पे। तो बोलो बर्ड एक समय में आपका क्या हो गई, T2 लेवल पे भी आ गई और एक ही समय पे आपका T3 लेवल पे भी आ गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम ओवरी, प्रोलैक्टिन हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा, द इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो, रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा। हाँ बर्ड में स्पैरो ले लो, कोई ले लो बर्ड। तो आपको पता है रिलैक्सिन हार्मोन आपका ओवरी से भी सर निकलता है और प्लेसेंटा से भी निकलता है, ठीक है, तो दोनों बातें सही होगी, A4 सही हो गया। और इनर सेल मास वही डिफरेंशिएट होता किसमें आपका, इम्ब्रियो में,
ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, तो आपका सेकंड क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स, दीस जीन आर HBA11, HBA12, HBA1, HBA3, HBB1, HBB2, HBA1 एंड HBA2। तो आपको पता होगा अल्फा थैलेसीमिया, अच्छा देखो इसको पहचानने के बड़ा अच्छा लगता है, जीन पहचानना। देखो HB मतलब होता है हीमोग्लोबिन, और देखो A से आता है अल्फा, क्लियर हुआ, HB मतलब हीमोग्लोबिन, A से हुआ अल्फा, तो अल्फा थैलेसीमिया के लिए भाई साहब HBA वर्ड तो कॉमन होगा। और जैसे आपको पता चला कि सर दो जीन हैं, तो एक में वन लगाओगे और एक में क्या लगा दोगे, टू लगा दो, तो जीन आपको याद हो जाएगा ऐसे। अब आपका आता है जो बीटा थैलेसीमिया, तो जो सर आपका बीटा थैलेसीमिया है वहां पे हीमोग्लोबिन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, HB। बीटा थैलेसीमिया के लिए मैंने क्या लिखा, B। लेकिन यहां पे एक ही जीन है तो 1-2 नहीं लगाएंगे, तो HBB जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा थैलेसीमिया, क्लियर हो गया। तो जीन पढ़ने का भी तरीका होता है सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, चलिए जवाब दीजिए आप लोग। वेलकम अहमद, गुड सुमन बच्चा, वेरी गुड फार्मर। अब बेटा देखो फार्मर और लेटर का मतलब समझो, फार्मर मतलब पहला, पहले स्थान पे जो है, लेटर मतलब बाद का। तो यहां पे सर पहले स्थान पे क्या है, ए सेक्सुअल, और दूसरे स्थान पे क्या है, सेक्सुअल। तो इसके लिए वर्ड यूज होगा फार्मर, उन बच्चों के लिए जो एकदम नए हो या जो थोड़ा सा चीजें ना समझ रहे हो। तो दूसरे स्थान पे जो सेक्सुअल उसके लिए लिखा है लेटर, तो लिखा फार्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन, तो गलत हो जाएगा, वेरिएशन की अपॉर्चुनिटी आपका सेक्सुअल ज्यादा देता है। लेटर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन, सेक्सुअल वेरिएशन देता है। एंड फार्मुलेशन ऑफ सेम कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, ये भी गलत हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ जो जेनेटिक सेटअप होता है थोड़ा सा वेरी हो जाएगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल, गलत हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से चांसेस ऑफ इवोल्यूशन बनते हैं, ए सेक्सुअल करता है प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल। तो भाई तीनों बातें गलत हो गई, तो आंसर हो गया 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है सर। इन कैजमोगैमस, कैजमोगैमस मतलब ओपेंड फ्लावर, जो खुल गए हैं, और अगर फ्लावर ओपेंड है और बाइसेक्सुअल है तो उसमें ऑटोगैमी भी हो सकता है, जिटनोगैमी भी हो सकता है, जीनोगैमी भी हो सकता है, किसी प्रकार की गैमी हो सकती है। लिखा ऑलवेज ऑटोगैमी, तो गलत हो गया। इन कैजमोगैमस फ्लावर ऑलवेज जिटनोगैमी, ये भी गलत हो जाएगा, ऑलवेज वर्ड नहीं आ सकता। कैजमोगैमी में मतलब ओपन फ्लावर में कुछ भी हो सकता है, अगर बाइसेक्सुअल है ऑटोगैमी भी हो सकता है, जिटनो भी हो सकता है, जीनो भी हो सकता है। इन कैजमोगैमस फ्लावर ऑटोगैमी इज नेवर अकर, तो ये तो हमको चौथा करवाना था आंसर, इसलिए हुआ है, ठीक है, ऑलवेज दुनियादारी नहीं। तो कैजमोगैमस मतलब ओपन फ्लावर, हाँ ध्यान देना, कैजमोगैमस फ्लावर के साथ साथ वर्ड यानी ये अंडरस्टूड हो गया कि बाइसेक्सुअल की बात कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। कैंगारू रैट मीट्स इट्स वाटर रिक्वायरमेंट बाय इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, सही है, एक केवल नेवर ड्रिंक वाटर, कभी पानी नहीं पीता है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से वाटर उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है। ऑल एडाप्टेशन आर जेनेटिकली फिक्स्ड, ये गलत हो जाएगा, एडाप्टेशन आपका जेनेटिकली भी होता है, मतलब जीन लेवल पे भी होता है, बिहेवियरल भी होता है, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। अपुंसिया इज अ डेजर्ट प्लांट, सही है भाई, इसका लीफ स्पाइन बदल जाएगा और स्टेम फ्लैटेंड हो जाएगा। सम स्पीसीज हैव एबिलिटी टू रेगुलेट इंटरनल इन्वायरमेंट ओवर अ लिमिटेड, तो इसको बोलते थे पार्शियल रेगुलेटर, कुछ समय तक तो रेगुलेटर रहेगा फिर उसके बाद चेंज होने लगेगा।
तो हो जाएगा आपका सेकेंड। 154, चलिए जवाब दीजिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो अभी सब इनकरेक्ट या गलत वर्ड ही चल रहे हैं। अस्टेबल कम्युनिटी शुड शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो भाई साहब ये तो बात गलत हो गई। क्या गौतम क्या बोल रहे हो? एक सौ चौवन देखो, 154 तो देखने ही जा रहे हैं। तो बेटा देखिए, अस्टेबल कम्युनिटी शुड सो मच वेरिएशन, तो याद रखिएगा साल दर साल जो प्रोडक्टिविटी होता है उसमें वेरिएशन कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपने हिसाब समझिए, आपकी 2021 की कमाई अगर 10 लाख है तो 2022 की कमाई आपका 9 हो जाए या 11 लाख हो जाए, चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 0 हो जाए या 20 लाख हो जाए, वो भी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में और कम हो जाए। तो प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए लेकिन ईयर टू ईयर प्रोडक्शन में वेरिएशन लेस होना चाहिए। तो पहले ही गलत हो गया, तो आंसर तो आपको मिल गया। डेविड टिलमैन ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने बताया था कि जिस प्लॉट की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। स्टेबल कम्युनिटी मस्ट बी रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। सही बात है भाई, जो कभी कभी जो भी डिस्टर्बेंस आए उससे रेजिस्टेंट होना चाहिए। रिच बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ। क्या है भाई साहब? सम स्पीसीज हैव एबिलिटी टू रेगुलेट इंटरनल इन्वायरमेंट ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन बियॉन्ड विच दे आर कन्फर्मर्स। सही तो है, लैंग्वेज दिया है ना, ये इसको बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। लैंग्वेज है, पढ़िए आप ध्यान से इसको। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। वो लैंग्वेज है कि कुछ समय तक रेगुलेटर रहेंगे फिर उसके बियॉन्ड क्या हो जाएंगे, कन्फर्मर। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। इन ह्यूमन आई कॉर्निया में एब्जॉर्ब यूवीबी रेडिएशन। हाई डोज ऑफ यूवीबी कॉजेज स्नो ब्लाइंडनेस। यूवीबी डैमेजेज डीएनए एंड म्यूटेशन में अकर। तो सारी बातें सही है, एनसीईआरटी की डिटो लाइन लिखी हुई है और ये आपका क्वेश्चन आया है 2020 में आया हुआ है, तो उसी का रेप्लिका है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू है यानी सब इनकरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट ही चल रहा है। एपोमैक्सिस इज सेक्सुअल, तो देखिए यही गलत हो गया। एपोमैक्सिस होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। और सर आपको पता होगा कि हमने 100% बताया है कि जब तक आपका मतलब फर्टिलाइजेशन वर्ड ना आए तब तक आप सेक्सुअल नहीं बोल सकते। तो एसेक्सुअल कैसा होता, एपोमैक्सिस कैसा हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उल्टा कर दिया। पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, सिरप और टैबलेट में यूज करते हैं, एलर्जी कर सकते हैं। और ऐसा फ्लावर जिसमें फॉल वाटर मतलब गंदा स्मेल आएगा, वो फ्लाइज एंड बीटल से क्या होंगी, पॉलिनेट होंगी। तो तीन बातें सही, एक गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। मॉस, एल्गी, फंस एंड एलीज, एंजियोस्पर्म। तो आपको ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का एक चार्ट दिया होगा, पाई चार्ट आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 260 पे, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो वहां पे देखिएगा तो सबसे ज्यादा आपका डाइवर्सिटी पाया जाएगा एंजियोस्पर्म का, और दूसरे नंबर पे सर आपका आता फंजाई, सेकंड नंबर पे आएगा फंजाई। ठीक है, के राठौर देख लिया, सुन लिया। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर एनर्जी एंड बायोमास आर नॉट अपराइट। तो गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता है ज्यादातर पिरामिड कैसे होते हैं, अपराइट होते हैं। तो नॉट नहीं होना चाहिए था, अपराइट होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर इन इज इन्वर्टेड इन ट्री इकोसिस्टम। एक्सेप्शन में आपका आता है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी
ए अपराइट लिया, ए क्या होना चाहिए था, इन्वर्टेड, और पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इन्वर्टेड होता है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है। तो ट्रू पूछा है तो सेकंड आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर। क्रॉप वेस्ट कैन बी यूज टू जनरेट नेचुरल गैस। प्राइम कंटामिनेट ऑफ कल्चरल यूट्रोफिकेशन इज फॉस्फेट एंड नाइट्रेट। तो इसमें भी सारी बातें सही हैं। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग बेटा एक साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक साथ आपने एपीकल्चर यानी हनी प्रोडक्शन किया, तो और साथ साथ क्रॉपिंग कर लिया, और साथ ही साथ आपने डेयरी फार्मिंग कर लिया, तो डेयरी फार्मिंग का जो वेस्ट था गोबर, उससे आपने क्या किया, फ्यूल बनाया और इलेक्ट्रिसिटी बनाई, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपने एपीकल्चर जब किया, मतलब कि हनी प्रोडक्शन किया, तो हनी ने क्या किया, आपकी क्रॉप में पॉलिनेशन कर दिया। तो हर प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ा होगा, और एक प्रोसेस का जो वेस्ट होगा वो दूसरे के लिए यूजफुल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं साइक्लिकल और जीरो वेस्ट प्रोसीजर है। और इसके लिए आते हैं रमेश चंद्र डागर साहब, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, 5000 किसान, इतना याद होना चाहिए। नेचुरल गैस बनाया जा सकता है, और यूट्रोफिकेशन मतलब एजिंग ऑफ लेक में प्राइम कंटामिनेंट होते थे फास्फेट एंड नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रॉस दिया है, इन अ क्रॉस इन एनिमल द हेट्रोजाइगस एनिमल विद ग्रे बॉडी बी प्लस एंड लॉन्ग विंग वी जी प्लस वॉज क्रॉस बी एनिमल विद ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स। द प्रोजनी ऑफ एनिमल इज इन द फॉलोइंग रेशियो, ग्रे वेस्टिजियल 24, ग्रे लॉन्ग 126, ब्लैक लॉन्ग 36, ब्लैक वेस्टिजियल 114। ऐसे केस में आप पहले प्रोजनी जो है मतलब जो पेरेंटल जनरेशन उसको लिख लीजिए। तो पेरेंट क्या है, पेरेंट आप लिख लीजिए, जिससे आपको पहचानने में आएगा कि पेरेंट से हट के कौन है। तो पेरेंट में आपका क्या है, ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग। तो क्या हो गया भाई, ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग, यानी ग्रे के साथ क्या आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है। दूसरा क्या है, ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग, यानी ब्लैक के साथ क्या आ रहा है, वेस्टिजियल। तो याद रखिएगा ग्रे लॉन्ग और ब्लैक वेस्टिजियल, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन होगा। और इसका जो रिकॉम्बिनेशन मतलब अब ग्रे के साथ वेस्टिजियल आ जाए और ब्लैक के साथ लॉन्ग आ जाए, तो ये क्या कहलाया जाएगा, रिकॉम्बिनेंट। और अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो ऐसे केस में बेटा एक फार्मूला बनता है, टोटल रिकॉम्बिनेंट, जो भी नए रिकॉम्बिनेंट होंगे, टोटल रिकॉम्बिनेंट अपान टोटल प्रोजनी, ठीक है। अब जरा देखो, ग्रे लॉन्ग ये क्या है, पेरेंटल है, तो ग्रे के साथ अगर वेस्टिजियल आएगा तो रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। तो देखिए ये आपका पहला है ग्रे के साथ वेस्टिजियल, यहां पे ग्रे के साथ लॉन्ग पेरेंटल है, तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट, नया कॉम्बिनेशन बना। ग्रे लॉन्ग आपका पेरेंटल है, ये ब्लैक के साथ वेस्टिजियल पेरेंटल है, लेकिन ब्लैक के साथ लॉन्ग ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट, नया कॉम्बिनेशन। बाकी ब्लैक वेस्टिजियल आपका दिया हुआ है, तो मुझे लग रहा 24 और 36 ये हो गया बेटा आपके रिकॉम्बिनेंट टोटल। तो 24 प्लस 36 ये हो गए टोटल रिकॉम्बिनेंट। और टोटल प्रोजनी में जितने भी दिए हो सबको जोड़ना होता है, तो सबको जोड़ लो भाई, तो इसमें देखना नहीं पड़ता, इसमें सबको जोड़ो। 24 प्लस 126 प्लस 36 प्लस 114। अब इसको जब आप सर जोड़ोगे तो 24 और 36 कितना हो जाएगा, 60, और 126 114 240 और 60 कितना हो जाएगा, 300। और परसेंटेज का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो 00 गया और ये आ गया आपका 20, फोर्थ आंसर। समझ में आ गया, आई थिंक, नहीं ये क्लियर है। तो फार्मूला याद रखिएगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, टोटल रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजनी,
और इसको निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि पैरेंटल लिख लीजिए आप, जो पैरेंटल जनरेशन दिया है, अब उसके हट के जो होगा वो नया कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर? चलिए थैंक यू। अब आगे का डिस्कशन कराएंगे आपको संतोष सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 बेटा। चलिए गुड इवनिंग बेटा प्रदीप, गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा ठीक है, उदय प्रताप, आंशी कटियार। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए बेटा, लिखा था जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर द पॉइंट म्यूटेशन इज ऑब्जर्व, जहां पर पॉइंट म्यूटेशन ऑब्जर्व होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? जहां पर बेटा पॉइंट म्यूटेशन ऑब्जर्व होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट म्यूटेशन आप जानते हैं क्या होता है बेटा? पॉइंट म्यूटेशन के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन के लिए आप लोग बता दीजिए क्या होगा यहाँ पर। पॉइंट म्यूटेशन की हम लोग बात करेंगे बेटा, पॉइंट म्यूटेशन। हाँ वेरी गुड, पॉइंट म्यूटेशन के लिए क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है पॉइंट म्यूटेशन के लिए होता है। वेरी गुड, सही आंसर है सभी का। तो यहाँ पर बेटा पॉइंट म्यूटेशन, और पॉइंट म्यूटेशन के लिए क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया। और आप ये जानते हैं यहाँ पर बेटा डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। अच्छा ये बताइए डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल होता है कि नहीं? यस सर कि नो सर? हाँ जी ए जी टू जी यू जी, ठीक है वो तो आपको क्लियर ही होगा। ये पॉइंट म्यूटेशन जी ए जी जो चेंज हो जाता है किसमें? जी यू जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी यू जी डाउन सिंड्रोम, ये मेल को होगा कि फीमेल को? डाउन सिंड्रोम मेल को होता है कि फीमेल को होता है? क्वेश्चन बताइए डाउन सिंड्रोम बेटा ये मेल को होगा कि फीमेल को होगा? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ वेरी गुड, राखी पांडे, दोनों को होगा क्योंकि ऑटोसोमल होता है ना। तो ये बेटा हम लोग कहते हैं ये ऑटोसोमल होता है। कैसा होता है? ऑटोसोमल है, और ऑटोसोमल है तो दोनों को होगा, बोथ को होगा। किसे किसे हम लोग कह रहे हैं? मेल को भी होगा बेटा, और किसे होगा? फीमेल को। क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम बताइए मेल को है कि फीमेल को? क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम किसे होगा? क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम बता दीजिए बेटा, क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम किसे होगा? गोल्ड, वेरी गुड। हाँ बेटा क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम जो होता है ये मेल को होता है, और टर्नर सिंड्रोम बेटा फीमेल को होता है। किसे होता है? फीमेल को। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम होता है ये हम लोग कहते हैं दोनों को होता है। वेरी गुड। हाँ चलिए गाइनकोमेस्टिया होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 162 बेटा, 162 जरा बता दीजिए कौन सा इनकरेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर द सेलियंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल। पहला लिखा है इट इज मेड बाय ओनली वन न्यूक्लियोटाइड चेन। वन नहीं होगा बेटा यहां पर, कितना होंगी? दो होंगी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अगला लिखा है बैकबोन इज मेड बाय सुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है, एंड बेस प्रोजेक्टेड आउटसाइड। आउटसाइड नहीं होगा बेटा, ये क्या होगा? इनसाइड होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगला लिखा है टू चेन्स आर पैरेलल पोलैरिटी। पैरेलल नहीं होगा बेटा, ये कैसी होंगी? एंटी पैरेलल होंगी। ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगला 15 बेस पेयर आर प्रेजेंट इन ईस्टर्न, 15 नहीं होगा, कितना होगा आप? ये भी इनकरेक्ट हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, 10 बेस पेयर होंगे। कितने होंगे? 10 बेस पेयर। तो सभी के सभी इनकरेक्ट है। आंसर कौन हो गया हमारा? फोर्थ। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर बेटा। भाई चैट बॉक्स में बताते जाइए कौन सा आंसर है, क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिए कौन सा आंसर होगा। फोर्थ है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर के साथ सभी चैट बॉक्स में बेटा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। हाँ क्वेश्चन नंबर के साथ टाइप कीजिए, जो सबसे पहले बताएगा उसका सबसे नया लेना। सबसे पहले इस बार प्रदीप कुमार ने बताया है, फिर रिया ने बताया है, फिर गोल्ड, फिर राखी पांडे ने बताया, गौतम, ठीक है रिया। हाँ 162 का कौन होगा बेटा? फोर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 163। 163 में चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए कौन सा बेटा इसमें इनकरेक्ट है। 163 पहला लिखा है मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग।
पी प्लांट वैरायटी सही है, फैक्टर सकर्स इन द पेयर ये भी सही है, ये भी सही है। और अगला बेटा लिखा है यहाँ पर द लॉज ऑफ डोमिनेंस यूज एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल करेक्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग एफ टू जनरेशन। एफ टू नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, केवल एक आएगा तो एफ वन में आएगा। एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ, बोथ में यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, अगर दोनों को आएगा तो दोनों का हम लोग कहाँ पाते हैं एफ टू, तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। अगला लिखा है अल्फ्रेड डिस्टर्बेंट द पोजिशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम, ये भी सही हो गया। तो कौन आंसर होगा, थर्ड, 163, वेरी गुड। नितिन राजपूत, अंशी कटियार, गोल्ड गौतम, बिल्कुल रिया, सोनल यादव, वेरी गुड। तो 163 बेटा कौन होगा बताइए, थर्ड। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी इन टी आई प्लाज्मिड, टी का मतलब क्या होगा बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा है, सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। 164 सबसे पहले बताया है भाई गौतम ढींगरा, आंशी कटियार ने भी फोर्थ बता दिया, नितिन राजपूत। बेटा बी कैसे होगा, टेम्परेचर कैसे हो जाएगा ये, अरे बेटा टी आई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है कि नहीं होता है, साक्षी प्रिया। चलिए ये हो गया, आगे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन वाला करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द एमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म बता दी, एमेंसिलिज्म क्या होता है, इसमें एक जो होता है स्पीसीज हम लोग कहते हैं हार्म होता है, दूसरी कैसी होती है अनअफेक्टेड, तो अनअफेक्टेड होता है, तो यहां पर हम लोग कहते हैं एक माइनस होगा दूसरा क्या होगा जीरो, प्लस माइनस जीरो रिलेशनशिप होती है, बता दीजिए। 165 देखते हैं कौन सबसे पहले बता रहा है, वेरी गुड गौतम ने सबसे पहले बताया। 165 का क्या होगा, ए, ए इज द राइट आंसर। वन स्पीसीज हार्म, हार्म का मतलब माइनस हो गया, एंड वन इज अनअफेक्टेड मतलब जीरो। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बता, निमोनिया डिजीज इज स्टमक, स्टमक नहीं होगा लंग्स की होगी यहां पर। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, गलत है बेटा, मलेरिया जो होती है ट्रांसमिट किससे होती है, तो ट्रांसमिट फीमेल एनाफिलीज होती है। कोलेस्ट्रम प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, टाइफाइड ट्रांसमिटेड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन गलत है, तो कौन सा होगा बताइए। 166 भाई क्वेश्चन के साथ टाइप कीजिए, 166 वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, थर्ड बिल्कुल सही बात है, थर्ड इज द राइट। अगला अगला है बेटा 167, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, करेक्ट किसके लिए है, आरएनआई के लिए, आरएनए इंटरफेरेंस के लिए हम लोग कह रहे हैं, टेक्निक के लिए कौन होगा बताइए, आरएनएआई बता दीजिए सभी लोग। 166 हो गया है, 167 सबसे पहले बता रहे हैं गौतम, थर्ड बता रहे हैं रिया ने, थर्ड बताया है साक्षी प्रिया, थर्ड गौतम, ठीक है बेटा सुमन कुमारी, थर्ड बिल्कुल सही है बेटा, थर्ड आंसर जो होगा इसका राइट आंसर है ना, लिखा पेस्ट स्पेसीज जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द होस्ट प्लांट, जो होस्ट प्लांट होता है उसी के अंदर हम लोग डाल देते हैं, किसके द्वारा डालते हैं, थ्रू द एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू डाल देते हैं, विच प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस, तो सेंस और एंटी सेंस दोनों ही यहां पर क्रिएट कर देता है, तो ये बेटा आंसर सही है, इट वॉज फर्स्ट डिवाइस, तो यहां पर ये गलत है बेटा, स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए इन द पेस्ट साइलेंस बाय द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, गलत है ये, डीएनए नहीं होगा बेटा यहां पर। RNA takes place in the all living organism as a method of cellular defense. RNAi takes place. ये cellular defense mechanism के लिए पूछ रहा है ना बेटा. Which of the following statement would be correct? Correct technique पूछ रहा है ना. ये भी incorrect होगा. ये भी incorrect होगा. तुम्हारा यहाँ पर कौन होगा? Third is the right answer. हाँ, nematode, Melitogynia cucurbita. बिल्कुल सही. सभी के सभी eukaryotes में होती है. 168 बताइए. देखते हैं कौन सबसे पहले बच्चा बताता है. 168. Which one of the following statement is incorrect बेटा आपको बताना है, कौन सा बताना है, incorrect, incorrect बता दीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन बता रहा है भाई। 168 बताइए, incorrect आपको बताना है। 168 रिया ने थर्ड बताया है, गौतम ढींगरा 168 का ए बता रहे हैं बेटा, हम लोगों क्या बताना है ध्यान से देख लीजिए। राखी पांडे 168, हाँ आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है,
इनकरेक्ट बताना है बेटा, इनकरेक्ट। सुमन कुमारी थर्ड, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग, कितने लोग चैट बॉक्स में जल्दी बताइए भाई, बाकी लोग भी कुछ बताएंगे। आंशी कटियार थर्ड, और बच्चे इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है, लिखा होमो इरेक्टस फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा, सही है। लिखा है अगला नियंडरथल मैन प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ये भी सही है आपका। अगला लिखा है डार्विन जज द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल बाय एबिलिटी टू डिफेंड इट्सेल्फ, डिफेंड नहीं बेटा, इन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बताया था ना ये, तो ये वाला इनकरेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगला लिखा है इंडस्ट्रियल मिनिमलिज्म वाज हाइलाइटेड इन बिस्टर बिटुलेरिया, आप लोगों ने तो उस चीज पढ़ी होगी कि बिस्टर बिटुलेरिया, दूसरी होती थी बिस्टर कार्बोनेरिया। तो बेटा आंसर हम लोग कौन हो जाएगा, केवल और केवल कौन होगा, ओनली एंड ओनली थर्ड, ओनली एंड ओनली कौन होगा, थर्ड। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से बताना है। 169 इनकरेक्ट बता दीजिए कौन सा बेटा, 169 आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए बेटा। सब भूल गया कोई बात नहीं, आएगा धीरे धीरे आएगा। गौतम ने थर्ड बताया, गोल्ड ने थर्ड बताया, रिया ने भी थर्ड बताया है, अंशी कटिया थर्ड, रितिक थर्ड, सुमन कुमारी बी बता रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। चलिए देख लेते हैं, कह रहा प्लॉइडी आप पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, 2n है। ठीक है, अगला लिखा है बेटा इनकरेक्ट बताना है, प्लॉइडी आप पेरिस्पर्म एंड न्यूसिलस, पेरिस्पर्म रिमिनेंट ऑफ हम लोग कहते हैं पेरिस्पर्म, रिमिनेंट ऑफ न्यूसिलस को ही कहते हैं, तो डिप्लॉइड हो गया यहां पर। अगला लिखा प्लॉइडी आप पेरिस्पर्म एंड सिनर्जिड इज हैप्लॉइड, तो यहां पर तो अभी हम लोगों ने क्या बताया, 2n बताया, और सिनर्जिड की क्या होगी, n होगी। अगला लिखा है गुआवा विज ए फ्लेशी फ्रूट, सही है। तो बेटा यहां पर हम लोग कह रहे हैं ये भी सही है, ये भी सही बात है, गलत कौन सी बताइए, थर्ड, 169 इज द थर्ड। हाँ बेटा सिनर्जिड की प्लॉइडी क्या होगी, एन होगी, तो सिनर्जिड एन होता है और यहां पर ये होगा, क्लियर है ना। आगे आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 170, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड, आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ बता दीजिए। ब्लंट एंड अगर आपको याद होगा, ब्लंट एंड कौन कास करता है, 170 कई बार पूछा जा चुका है, बिल्कुल। डी कैसे होगा बेटा, गौतम बेटा बेटा, हाँ सेकंड इज द राइट आंसर, इको आर 5। बाकी सब हम लोग कह रहे बेटा, ये हम लोग कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ब्लंट एंड कास करता है, ब्लंट एंड का मतलब क्या होता है, पेयर्ड, और बाकी ये सब के सब कैसे होंगे, ये भी अनपेयर्ड कहेगा, ये भी कैसा है अनपेयर्ड, और ये भी कैसा है अनपेयर्ड, तो ब्लंट एंड मतलब पेयर्ड जो होगा वो यही होता है और कोई नहीं होगा। तो 170 सेकंड, अनूप कुमार ठीक है बेटा, याद रखेंगे इको आर 5। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, बता दीजिए, इन ह्यूमन द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड, मेल एसेसरी ग्लैंड की बात कर रहा है। पहला लिखा है पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, ठीक है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होगी एंड पेयर्ड सर्विक्स, सर्विक्स नहीं होगा यहां पर, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अगला स्टेटमेंट लिखा है द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये भी सही बात है, तो बता दीजिए कौन आंसर है, 171 आंसर बता दीजिए, 171 हाँ भाई, क्वेश्चन के साथ टाइप कीजिए 171, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट 1 कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और स्टेटमेंट सेकंड कैसा है, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बता दीजिए। पहला लिखा है जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, दूसरा कौन है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला लिखा है मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्टरेशन आर म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, नहीं कि बोलो, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यस सर कि नो सर, 172 भाई सभी लोग बताइए, वेरी गुड, 172 का क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों कैसे हैं बेटा, करेक्ट। चलिए अगला आ जाते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला फिर से, साइटोसिन इज ए कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए,
और नेक्स्ट लिखा है थायमिन इज प्रेजेंट ओनली इन द आरएनए, बोलो कौन सा सही इसमें लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, 173 आपको बताना है। तो ये वाला तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, कह रहा साइटोसिन, तो आप जानते हैं ए जी सी, ए जी और सी, उसके अलावा थायमिन होता है, दूसरा हम लोग कहते हैं डीएनए की बात कर ली, हम लोग आरएनए की बात कर लेते हैं, ए जी सी और यूरेसिल, ये आरएनए होगा, यहां पर थायमिन होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो हमको यहां पर क्या लग रहा है, सही लग रहा है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया। आंसर बता दीजिए, 173 बिल्कुल सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। अगला स्टेटमेंट वाला फिर से क्वेश्चन है, डीएनए इज द बेसिक सबस्टेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बता दीजिए कैसा कौन है, बताइए स्टेटमेंट, आप लोग बताइए, आप लोगों को बताना है, देख रहे हैं कौन बता पाता है, फटाफट बता दीजिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा तेजी से करना है। 174 पहला ऑप्शन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो ये तो यहां पर क्या होगा बेटा, बेसिक नहीं होता है, कैसा होता है डीएनए, एसिडिक, किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोस, सही है। तो यहां पर 174 कौन सा लगाएंगे बताइए, 174 स्टेटमेंट फर्स्ट इज कैसा है बताइए, इनकरेक्ट, अब तो बताओ, अब तो मैंने सब बता दिया तब भी नहीं बता पा रहे, लो थर्ड, नेक्स्ट 175 बता दीजिए, स्टेटमेंट फर्स्ट, द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन अस टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स ओरिजिन बताता है, स्टेटमेंट सेकंड, ओपेरिन ऑफ इंग्लैंड एंड हैंडल ऑफ रसिया, उल्टा दे दिया, ओपेरिन साहब कहां के थे, ओपेरिन जो है ये हम लोग कह रहे हैं हेल्डन, ओपेरिन और इंग्लैंड जो है हम लोग कह रहे हैं यहां पर, ये ओपेरिन की बात कर रहे हैं बेटा, यहां पर देख लीजिए, ये साइंटिस्ट के साथ कंट्री का काम, कंट्री जो है अपोजिट लिखा है कि नहीं लिखा है, कंट्री अपोजिट है कि सेम है, हाँ बेटा, ओपेरिन साहब कहां के थे, इंग्लैंड के थे कि रसिया के थे, और हेल्डन साहब कहां के थे, इंग्लैंड, तो उल्टा है कि नहीं, ये इनकरेक्ट हो गया, और ये वाला करेक्ट हो गया, तो एक करेक्ट है दूसरा कैसा है, इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, तो देख लीजिए, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड आंसर हो गया ना, सेकेंड है, बोलिए सभी लोग बताइए भाई, चैट बॉक्स में एक बार लिखा तो कीजिए कम से कम, हाँ उल्टा है बेटा ये, एक बार फटाफट बोल दीजिए, वेरी गुड, चलिए प्रदीप कुमार आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भाई स्टेटमेंट वाला फिर से क्वेश्चन है, बता दीजिए, 176 आसान क्वेश्चन है, 176 देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है, 176 जो सबसे पहले बोलेगा उसका सबसे पहले नाम लेंगे, 176 सबसे पहले बताने वाला कौन बंदा है, गौतम, रिया ने फिर बताया है, सुमन कुमार ने, सुमन कुमार ने, आशीष कटियार ने, रेतिक, वेरी गुड, फोर्थ होगा, कौन होगा, फोर्थ, दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, सही हैं, लिखा है द एग्जैग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम में जो होते हैं, कह रहे हैं एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट कॉल्ड एलर्जी, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा है द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस आर माइट, डस्ट, पॉलन ग्रेन्स, एनिमल्स डेंजर, कुछ भी हो सकता है, एनिमल डेंजर भी हो सकता है, तो इसका आंसर कौन हो गया, फोर्थ, आसान सा है। नेक्स्ट बेटा स्टेटमेंट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू द लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस, और स्टेटमेंट सेकंड है, ईच रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस रिकॉग्नाइज इट स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सिक्वेंस इन द प्रोटीन, बता दीजिए करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट, 177 देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है, 177 बताने वाले हैं सबसे पहले गौतम, फिर सुमन, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड प्रदीप कुमार, हाँ सेकंड सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो कैसा है, करेक्ट है, और सेकंड कैसा है, इनकरेक्ट है, क्यों, प्रोटीन की जगह पर क्या होना चाहिए, प्रोटीन के प्लेस पे क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट है तो क्यों है बताइए, प्रोटीन के प्लेस पे क्या लिखेंगे ये बता दीजिए, प्रोटीन के प्लेस पे क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए प्रोटीन के प्लेस पे क्या बताएंगे, वेरी गुड, यहां पर क्या होगा, डीएनए, क्या होगा बेटा, डीएनए होना चाहिए ना, तो ये हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं,
नेक्स्ट बताइए फटाफट। हाँ नेक्स्ट बताइए 178 स्टेटमेंट है, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस यूज फॉर द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस के लिए होता है क्या? बोलो अर्ली डायग्नोसिस के लिए होगा? अर्ली डायग्नोसिस के लिए नहीं होता। अर्ली डायग्नोसिस में हम लोग क्या बताते हैं? जैसे पीसीआर बताते हैं कि नहीं, एलिसा बताते हैं कि नहीं बताते हैं, बोलिए ये बताते हैं कि नहीं? तो ये तो इनकरेक्ट हो गया ना। स्टेटमेंट सेकंड, एलिसा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। बिल्कुल सही है। अब बता दीजिए कौन सा आंसर लगाए। 78C बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट फर्स्ट कैसा होगा? इनकरेक्ट। और ये वाला कैसा होगा? करेक्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन था 179। इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न्ड विद द थ्री लेवल नहीं होता है, यहां पर कितने होगा? 4 लेवल होता है। और यहां पर आपको याद होगा OPCB हम लोग करके याद करते थे कि नहीं, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी एंड बायोम। तो पहला इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट सेकेंड, ऑन प्लेनेट अर्थ लाइफ ओनली एग्जिट इन ए फ्यू फेवरेबल हैबिटेट्स नॉट इन द एक्सट्रीम एंड हार्स। गलत हो गया ये भी। ये तो बेटा लाइफ दोनों में होती है ना। बोलो बोथ आर इनकरेक्ट है, बोथ आर कैसा होगा? इनकरेक्ट। तो बेटा हम लोग यहां पर ये लगाते हैं 179 फर्स्ट। बोलिए 179 फर्स्ट इज राइट। हाँ आर्किबैक्टीरिया बिल्कुल सही, दोनों में होगी लाइफ पॉसिबल, फेवरेबल कंडीशन में होगी और हार्श हैबिटेट में भी होगी। आर्किबैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा लिविंग फॉसिल पिरामिड सबसे होती थी। चलिए बिल्कुल रूमी। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। फिर से स्टेटमेंट है बेटा, स्टेटमेंट पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए सी इज जनरली अपराइट। एंड स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन इन एनी प्लेस इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या होगा? 180 बता दीजिए। देखते हैं कौन कितने बच्चे भाई क्वेश्चन के साथ टाइप कीजिए। 183 सही है। 180 क्या होगा? थर्ड। क्यों थर्ड है? यहां पर कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। कह रहा है बेटा पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। गलत है। ये आपको याद होगा TNBPI करके याद करना, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ ट्री इको सिस्टम एंड बायोमास ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम कैसा होता है? इन्वर्टेड। तो अपराइट नहीं होगा, कैसा होगा? इन्वर्टेड। दूसरा सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन इन एन पैलियोलिथिक इकोलॉजिकल पिरामिड। ऐसा हम लोग कैसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बताइए सेप्रोफाइट्स के लिए कह रहा है 180 का तीसरा। हाँ बेटा स्टेटमेंट सेकेंड क्या है? करेक्ट है। बोलिए 180। चलिए सभी का आ गया कि नहीं आ गया? पिरामिड हाँ, नंबर ऑफ ट्री बेटा, ट्री का नंबर, नंबर ऑफ ट्री इको सिस्टम एंड बायोमास ऑफ पॉन्ड इको सिस्टम कहते हैं एक्वेटिक इको सिस्टम, ये इन्वर्टेड होते हैं। बाकी सब कैसे बताएंगे इनके? अपराइट। और एनर्जी का तो आप जानते हैं हमेशा कैसा होता? अपराइट। तो 180 का क्या हो गया? थर्ड। अगला, बायोलॉजिस्ट श्योर अबाउट हाउ मैनी प्रोकैरियोट स्पीसीज आर देयर माइट बी। क्या बायोलॉजिस्ट इसको बता सकते हैं कि नहीं? अगला लिखा है इंडिया इज वन ऑफ द 12th मेगा डायवर्सिटी। तो ये बेटा हम लोग कहते हैं 12th मेगा डायवर्सिटी, तो सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट बताओ करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? आंसर कौन सा लगाएंगे? आसान सा है बता दीजिए, कौन सा लगाएंगे? 181 ढेर सारे बच्चों ने बता दिया है, थर्ड। बिल्कुल सही है। ये वाला कैसा हो गया? इनकरेक्ट। और ये वाला कैसा हो गया? थर्ड। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो हो गए वो कैसा हो गया? इनकरेक्ट। एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो थर्ड आंसर चला जाएगा। बोलिए लैंड सरफेस हमारे पास कम है लेकिन हम लोग डाइवर्सिटी बेटा कैसी है? वेल नोन है कि नहीं है? हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 182। फिर से स्टेटमेंट है पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर लैंड एंड वाटर और सॉइल। दूसरा स्टेटमेंट स्क्रबर कैन रिमूव द गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत आसान क्वेश्चन है, बता दीजिए। 182 देखते हैं कौन सबसे पहले बता रहा है। 182 आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने बता दिया, वेरी गुड। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ये भी सही, ये भी सही। स्क्रबर का हम लोग किसमें यूज करते हैं बताइए? सल्फर डाइऑक्साइड।
अच्छा बताइए SO2 जो होते हैं, SO2 के लिए जहां पर SO2 होगी वहां पर लाइकेन ग्रो करेगा कि नहीं ग्रो करेगा? जहां पर SO2 का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां पर लाइकेन ग्रो करेंगे कि नहीं? यस सर कि नो सर? लाइकेन अगर बहुत ज्यादा होंगे तो वहां पर बताइए, SO2 अगर बहुत ज्यादा है तो लाइकेन ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अच्छा सैफ मलिक कह रहे हैं यस सर। कहां ग्रो करेगा? नहीं ग्रो करेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बेटा ये इंडिकेटर होते हैं एयर पोल्यूशन के, जैसे कानपुर है यहां पर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है कि नहीं है, तो लाइकेन क्या ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे। SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। 183 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन मेल हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, तो इसका मतलब है एक्स वाई टाइप होगा। सही बात है, मेल पजेस वाई क्रोमोसोम, वन वाई एंड वाई एक्स। ठीक है, ये भी है, मेल्स हैव सम गैमेट्स विद एक्स क्रोमोसोम एंड सम विद वाई, वेरी गुड, ये भी सही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोकैविटी, मेल हेट्रोकैविटी का एग्जाम्पल है। सही है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ द अबव 183, बिल्कुल सही है अजय कुमार। सुमन, हर्ष, ठीक है, डी आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। इन ए हैबिटेट पॉपुलेशन, देख लीजिए बेटा, ये कह रहा है एक हैबिटेट पॉपुलेशन है जिसमें हम लोग कह रहे हैं कितने इंडिविजुअल हैं, 1000। पहला कह रहा है 1000 हैं, ठीक है, 1000 की बात की है, और 1000 में कह रहा है हमारे पास जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें कह रहा है कि 360 वाले कितने हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए वाले। फिर कह रहा 480 वाले कैसे हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए। और फिर कह रहा है बेटा 160 हैं वो कैसे हैं आपके, स्मॉल ए, स्मॉल ए। अब कह रहा 1000 था तब ये ऐसा था, और उसके बाद बढ़ के पॉपुलेशन बेटा कितनी हो गई, इसने कह दिया है कितनी हो गई, डबल कर दी है, 2000। तो 2000 हो गया, तो यहाँ पर ये कह रहा है आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ इनहैबिटेड न्यू पॉपुलेशन 2000 इंडिविजुअल 1000 बिलोंग टू। अब कह रहा है यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कह रहा है 1000 जो है बेटा वो 1000 किस में बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, ठीक है। और उसके बाद में कह रहा है हैबिटेट, कह रहा है द न्यू पॉपुलेशन के बाद कह रहा है, और 680 की बात कर लेते हैं, 680 जो हैं वो कैसे हमारे बताइए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। और बाकी बचे हुए इसका मतलब लगभग लगभग कितने हमारे बचे, 420, तो 420 कैसे बचे, स्मॉल ए, स्मॉल ए। अब यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास कितनी पॉपुलेशन थी, 360 वाले थे, और ये बेटा हम लोगों ने इसको तो डबल किया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये डबल से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने इसको डबल किया है कि नहीं, तो 360 का मतलब ये भी डबल होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, डबल से ज़्यादा है। और अगर डबल से ज़्यादा है तो बताइए एक डायरेक्शन में मूव करेंगे कि नहीं हम लोग, 184 एक डायरेक्शन में मूव करेंगे कि नहीं मूव करेंगे? पहले यहाँ पर बेटा इक्विलिब्रियम कैसा था, स्टेबल था, स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम था कि नहीं, यहाँ पर स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम था, लेकिन यहाँ पर स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बताइए आंसर क्या होगा, बता दीजिए सभी लोग, 184, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, सुमन थर्ड, अनुरोध थर्ड होगा, रेतिक थर्ड, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा बेटा, थर्ड होगा ना, थर्ड होने का मतलब क्या रहा है, मोर एक्सटेंट इवोल्यूशनरी चेंजेस टेक्स प्लेस, जब एक डायरेक्शन में जा रहा है तो एक डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पर हम लोग पहले कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेबलिश था, लेकिन अब नहीं है, स्टेबलाइजिंग है हम लोग कह रहे हैं, तो अब स्टेबलाइजिंग यहां पर नहीं होगा क्योंकि एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं, हाँ बेटा। और दूसरा हम लोग कह रहे हैं हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगा, हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगा, बोलिए अच्छा ठीक है बेटा, विभा लो हट गए हम, देख लीजिए आप लोग, आप लेट आ रहे हैं, इसका मतलब
बेटा यहाँ पर जो नंबर आप इंडिविजुअल की हम लोग बात कर रहे हैं, जब इसने कह दिया है कि 2000 हमने कर दिए, कितने कर दिए हैं 2000, तो 2000 में 1000 तो कह रहा है कि यहां पर क्या है बताइए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। और बेटा कह रहा है 680, 680 वाले कैसे हो गए हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। बचे कितने बेटा 420, तो 420 वाले कैसे हो गए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। तो यहां पर नंबर जो हम लोगों ने डबल किया पहले, तो 1000 हमने कितना कर दिया डबल, तो यहां पर 1000 से ये हम लोग कह रहे हैं 360 से दो गुने से ज्यादा है कि नहीं, ये ज्यादा क्लियर है कि नहीं बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए क्लियर है तो थैंक यू, आगे आ जाते हैं। एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है यहां पर, तो यहां पर अब इक्विलिब्रियम नहीं है, यहां पर पहले इक्विलिब्रियम था सचिन। चलिए आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन बता दिया, फिगर बेस्ड है बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम, कौन सा आंसर लगाएंगे, आसान सा है। बेटा ये वाला फुल लेंथ का है, तो फुल लेंथ वाला है बेटा विभा, ये फुल लेंथ का है बेटा, तो फुल लेंथ वाले बच्चों को कुछ होते हैं कुछ चैप्टर वाइज देते हैं। 185 का कौन सा लगाएंगे आप लोग, ओनली बी। चलिए देख लेते हैं, यहां पर कह रहा है इट रिप्रेजेंट मेल सेक्स ऑर्गन, गलत है। पहली बात तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा नहीं, पिस्टिल के बारे में बता रहा है कि नहीं, ये क्या होगा बेटा पिस्टिल, तो पेस्टिल है कि नहीं है, ये सेन कार्पस है कि एपोकार्पस है, तो हम लोग क्या पढ़ते थे सेन कार्पस। और किसका एग्जांपल है बताइए, किसका एग्जांपल है, सेन कार्पस है पेस्टिल, किसका पेस्टिल है पपेवर का, याद आया कि नहीं आया, पपेवर है कि नहीं है, हाँ पॉपी, ठीक है। अगला लिखा इट रिप्रेजेंट फीमेल सेक्स ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में होगा सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इट रिप्रेजेंट द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन जिम्नोस्पर्म, गलत है, जिम्नोस्पर्म की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। इट रिप्रेजेंट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म, मेल की बात ही नहीं होगी बेटा, ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन हो गया, सेकेंड इज द राइट आंसर। बोलो कह रहा है इट डेवलप्स इन एग्रीगेटेड फ्रूट्स, एग्रीगेटेड फ्रूट्स में डेवलप करेगा, नहीं होगा, तो राइट आंसर कौन होगा, ओनली एंड ओनली बी। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अगला लिखा है इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम गैमीट्स डेवलप, बताइए बेटा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में गैमीट्स का डेवलपमेंट कहां पर होगा, बोलो बोलो बोलो। 186 आसान सा है विभा बेटा, थर्ड कहां से हो जाएगा, अरे हम लोग कह रहे हैं बेटा इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में कह रहा है गैमिटोसाइट्स डेवलप इन आरबीसी ऑफ द ह्यूमन होगा ना बेटा, गैमिटोसाइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर, चलिए ठीक है आरबीसी में होगा, लेकिन गैमिटोसाइट किसके लिए इन्फेक्टिव स्टेज है, गैमिटोसाइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर, बता दीजिए गैमिटोसाइट किसके लिए इन्फेक्टिव स्टेज है, बिल्कुल सही बात है। चलिए रूमी अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ द हीरोइन आर स्मैक, हीरोइन या स्मैक का केमिकल नेम बता दीजिए, बहुत आसान है। 187 आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल सही है प्रियंका, गोल्ड, रूमी, प्रदीप, रिया, बिल्कुल सही, आसान क्वेश्चन है बेटा, डाई स्टाइलिन मार्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिया मॉनिटर द जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम, कौन करता है, आसान सा क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मेजर करने वाला कौन है भाई, बिल्कुल सही है रिया, 188 GAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिट पहलते हैं कि नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्रोड्यूस बाई, ट्रांसजेनिक प्लांट का प्रोडक्शन हम लोग कैसे करते हैं, इंड्यूसिंग द जीन म्यूटेशन, अरेस्टिंग द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एंड डिलीटिंग द सेक्स क्रोमोसोम, इंट्रोड्यूसिंग द फॉरेन जीन, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बता दिए 189 बताइए रिया, बिल्कुल सही है बेटा,
फर्स्ट नहीं होगा बेटा, फोर्थ होगा ना, सचिन। ये कैसे होगा बेटा? ये होगा बेटा सेक्स क्रोमोसोम से क्या मतलब है, अरेस्टिंग स्पिंडल फाइबर नहीं होगा, ये होगा ना इंट्रोड्यूसिंग। जब फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करेंगे तभी तो कुछ नया बनेगा। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट वाला बताना। इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा गलत है? बहुत आसान क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज फॉर वेक्टर, डिफरेंट नहीं होना चाहिए बेटा, कैसा होना चाहिए? सेम। तो यही इनकरेक्ट हो गया। दूसरा लिख लेता है, कह रहा है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सही बात है। वेक्टर विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन इन द होस्ट सेल, सही बात है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिप्लिकेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओआरआई, हाँ अगर ओआरआई नहीं होगा तो रिप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन है, बता दीजिए। 191 बहुत आसान है, क्वेश्चन के साथ टाइप कीजिए 191। सचिन कुमार, हर्ष सिंह, रोमी, बिल्कुल गोल्ड, प्रियंका, चलिए सभी की बात सही है। कौन हो जाएगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। स्टिकिंड क्या होगा बेटा? स्टिकिंड, स्टिकिंड का मतलब बताओ। हम लोग कहते हैं स्टिकिंड है और एक कहते हैं ब्लंट इंड है। स्टिकिंड का मतलब बेटा पेयर्ड कि अनपेयर्ड? स्टिकिंड पेयर्ड होते हैं कि अनपेयर्ड? बोलिए बोलिए बोलिए, स्टिकी पेयर्ड होगा अनपेयर्ड होगा? बिल्कुल सही हर्ष सिंह। सुमन कोहसिव अनपेयर्ड होता है बेटा। स्टिकिंड कैसा होता है? ये होता है, हम लोग कहते हैं अनपेयर्ड है, और ब्लंट इंड कैसे होते हैं? पेयर्ड। तो स्टिकिंड काटते हैं जिससे हम लोग कहते हैं ग्लूइंग करने में आसानी रहेगी नहीं। चलिए अगला लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलियन स्पीसीज, कौन है बताइए? कैरेट ग्रास, वाटर हाइसेन, लेंटाना, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल प्रियंका जेना, अनिरुद्ध, बिल्कुल सही सभी के सभी। ये बेटा सभी के सभी एलियन स्पीसीज है कि नहीं है? एलियन स्पीसीज है। नेक्स्ट निश्चित क्या होता है? निश्चित डिफाइन कर दीजिए, बिल्कुल बुक की लैंग्वेज है। नीस क्या होता है? बिल्कुल सही, वेरी गुड स्मिता, शशान, वेरी गुड बेटा। फंक्शनल रोल होता है प्लेड बाय द एनी ऑर्गेनिज्म वेर इट लिव्स, जहां पर जो जिस हैबिटेट में रहता है उसका जो फंक्शनल रोल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निस। 194, कार्निवोरस एनिमल लायंस एंड लियोपर्ड ऑक्यूपाई इन द सेम निस, बट लायंस कह रहा है बेटा प्रिडेट मोस्टली लार्जर एनिमल्स एंड करा लियोपर्ड स्मॉलर वंस, दिस मैकेनिज्म इज द कंपटीशन रेफर्ड एज, किस टाइप का कंपटीशन है बता दीजिए? 194 बता दीजिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड, हाँ रिसोर्स पार्टनिंग है ना, तो रिसोर्स पार्टनिंग बता देंगे। 195 बेटा फंक्शन ऑफ परमिएज एंजाइम इन लैक ओपेरान मॉडल में परमिएज का फंक्शन क्या होता है? किसकी परमिबिलिटी को बढ़ा देता है? बिल्कुल सही है, इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेस। 195 सेकंड है ना, 195 बोलो बच्चों, यस सर कि नो सर? चलिए सचिन, रूमी, अनिरुद्ध, स्मिता, चलिए वेरी गुड। अगला 196, इन हाइड्राज सक्सेशन द फ्री फ्लोटिंग आर रिप्लेस बाई विच स्टेज, फ्री फ्लोटिंग के बाद कौन सी स्टेज आती है? 196 बताइए, विभा ठाकुर, सचिन, इंद्र कुमार, आसान से क्वेश्चन है 196। हाँ थर्ड होगा 196 लो ए हो गया, कोई कह रहा थर्ड, कोई कह रहा ए, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। 196 बेटा फोर्थ होगा, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म आएंगी नहीं आएंगी? ये रूटे समर्स, ये कह रहा है बेटा हाइजार सक्सेशन करेंगे जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट होते हैं
उसके बाद कह रहा है रिप्लेस बाय विच स्टेज, तो कह रहा है जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं वो रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म में बदलेंगे ना, रूटेड फ्लोटिंग। हाँ गौतम ढींगरा, वेरी गुड, फोर्थ इज द राइट आंसर बेटा, फोर्थ होगा, फोर्थ होगा। बहुत बच्चों ने गड़बड़ कर दिया है। हाउ टू नो बेटा, एनसीईआरटी की लाइन दी है, सिक्वेंस दिया, सिक्वेंस दिया है कि नहीं दिया है उसी से बताया गया। एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन है बेटा, ट्रिक सिखाई जाती है। अगला, ए टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच डीएनए इज चेंज्ड बट अमीनो एसिड्स रिमेन अनचेंज्ड, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन, क्या कहेंगे इस टाइप के म्यूटेशन को, बोलो किस टाइप का होगा। बिल्कुल 197, हाँ बेटा क्या होगा, साइलेंट म्यूटेशन होगा। क्या होगा, साइलेंट म्यूटेशन होता है। जैसे अगर आपको याद हो UUU किसे कोड करता है, UUU ट्रिपल यू किसे कोड करता है, और अगर हम कहें UUC किसे कोड करते हैं दोनों, फेनिल एलेनिन, और ये भी किसे कोड कर रहा है, फेनिल एलेनिन। बिल्कुल सही है रूमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनालिका एंड कल्याण सोना आसान सा है, हाई यील्डिंग वैरायटी किसकी है बेटा यार, 98 सोनालिका एंड कल्याण सोना किसकी वैरायटी है, फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल सही बात है, वीट की है, किसकी है, वीट की है। आरू गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, ध्यान से बताइए। अच्छा बासमती किसकी वैरायटी है, बासमती, बासमती किसकी वैरायटी होगी, बासमती बता दीजिए, बासमती। चलिए ठीक है, राइस की, वेरी गुड, किसकी होगी, राइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ, स्प्लाइसोसोम जो होता है करेक्टर होता है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर मैसेंजर आने होता है कुछ हेट क्या होते हैं, इंट्रान, एग्जान, इंट्रान और कौन होते हैं बेटा, एग्जॉन। तो यहाँ पर बेटा जब हम लोग इसको कट करते हैं तो इंट्रान वाले पार्ट जो होते हैं वो कट के हट जाते हैं, तो सिर्फ जो अब के बाद आएगा वो कौन आएगा हमारे पास, एग्जान, कौन आ जाएगा, एग्जान। तो यहां पर इंट्रान और एग्जान की बात करता है, और स्प्लाइसोसोम जो होता है वो कह रहा है किसमें, क्वेश्चन पूछ रहा है स्प्लाइसोसोम नॉट फाउंड, तो ये बेटा यूकैरियोट का करैक्टर होता है ना, तो यूकैरियोट में इंट्रान और एग्जान दोनों होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, एग्जान। इसका मतलब है क्या आंसर होगा, स्ट्रेप्टोकोकस प्रोकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट चलिए लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट, लास्ट वन, लास्ट वन काजल बेटा, सब सही, सब स्टार्ट होगा, अभी टेंशन ना लीजिए, सब कुछ स्टार्ट होगा। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग काजल, हाँ प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा, लास्ट वाला क्वेश्चन बता दीजिए बेटा। कह रहा है फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हैपेंड, कह रहा है हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, कैसी थी बैक्टीरिया बताइए, हीट किल्ड, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया अलॉन्ग विद द आर बैक्टीरिया, तो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया थी ये बेटा, हम लोग कह रहे कैसी थी बताइए, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, और इसके साथ किसे लिया गया, प्लस आर, तो इसका जो हम लोग कहते थे जो जेनेटिक मटेरियल होता था आर में पहुंचा जाता था कि नहीं, तो आर जो होती थी ये पहले कैसी होती थी, नॉन पैथोजेनिक, कैसी होती थी, नॉन पैथोजेनिक होती थी कि नहीं होती थी, लेकिन बाद में कैसी हो जाती थी, पैथोजेनिक, तो नॉन पैथोजेनिक कैसी हो जाती थी, पैथोजेनिक। हाँ तो माइस डाइट एंड सोज लाइव एज बैक्टीरिया, तो इसकी बॉडी में एस स्ट्रेन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नॉन पैथोजेनिक बेटा कैसा हो जाएगा, पैथोजेनिक, बोलिए नॉन पैथोजेनिक कैसा हो जाएगा, पैथोजेनिक हो जाएगा ना। चलिए तो ये हाँ यहां तक की बात थी बेटा, ठीक है ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आरू। चलिए कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, इसके बाद ये बेटा सेशन हमारा खत्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा आपका। चलिए नंदिनी सिंह सर, मेरा इस बार नीट में 620 मार्क्स आया है, तो नीट में बेटा अगर 620 मार्क आया है तो बिल्कुल वेल डन, मिठाई उठाई लेके आओ। सचिन कुमार
सुमन कुमारी थैंक यू, थैंक यू बेटा, ठीक है। और अपना अपना पढ़ते रहिए बेटा, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत हुई इधर उधर, आराम से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बेटा ऋतिक। बेटा ये जो है टेस्ट पेपर के बाद जो बेटा पेपर जो होता है हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज होती है, उसके बाद बेटा ये डिस्कशन होता है। हाँ बेटा सब चलता रहता है, कुछ जो है बेटा पेपर के लिए चलता है, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सभी लोग अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, ओके, गुड नाइट। आइए सर, बंद कर दूँ।